बुलाना चाहूंगा रथ पे और उनकी एक प्रस्तुति आपके सामने होने जा रही है और इनको आपने कई कई तरह से सुना है, इनके ऊपर कई वीडियो फिल्में भी वो गीतों पे बनी हुई हैं। तो मैं आवाज दे रहा हूं साइंस सेठ को, आपके सामने प्रस्तुत है इनका एक ये बंजारा गीत। जैसे वाला सेकंड से जैसे वाला माइक दो ना, दो माइक, एक माइक और नहीं है नहीं उसे गाओ ना। प्राइवेट आंसर था पब्लिक आंसर। हेलो हेलो जी, हेलो 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 मेरा बोलो, हेलो 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 जी, हेलो 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 जी, माइक चेंज करो तो भाई, हेलो माइक चेंज करो, हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो 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 कदर एमबीज में सेवा भाया के गो बोल धड़गे
और आपको कई गेस्टों में इनको सुनते रहते हैं और कई सेशन अभी बकाया है। सावित्रीबाई से निवेदन करूंगा अभी सेशन कई बकाया है और उसके बाद में आपको सुना जाएगा। अभी हमारे हेलो हेलो अभी हमारे हमारे इस सेशन के जो कार्यक्रम है विधिवत वो चलेंगे। आप सभी को एक बात बताए देता हूं कि हेलो ये माननीय हरिभाव राठौर जी के पूरे अब तक के जितने भी काम रहे हैं आपने सब देखे हैं, लेकिन इन्होंने जो आपको बताई जितने भी प्रश्न हैं इन सब प्रश्नों के उत्तर एक 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 आपके सामने एक इंटरव्यू है उसको एक पेश किया जाएगा आपके सामने। वो मैं समझता हूँ 10 मिनट के इनके इंटरव्यू में आपको कई प्रश्नों के उत्तर शायद उसमें जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और वो इंटरव्यू इनका जब लिया गया था दिल्ली में और उसको जब YouTube पे डाला गया तो उसके बाद 50,000 लोगों ने पूरे देश में और बाहर कई लोगों ने बहुत उससे खोल के सुना है उसको और इतने फोन आते हैं उसके लिए। और वास्तव में जो लोग ये समझते थे कि पता नहीं इसमें क्या है क्या ये कर रहे हैं उसको सुन करके कई लोगों के दिमाग की ये चीजें, लेकिन आपको भी धीरज से केवल 10 मिनट मैं आपसे फिर से निवेदन किए देता हूं, केवल 10 मिनट आप शांतिपूर्वक अपनी सीट पर बैठ के उस इंटरव्यू केवल आवाज सुनाई देगी आपको, वो इंटरव्यू आपको सुनना है। और उस इंटरव्यू के बाद में हमारे अगले कार्यक्रम होंगे जिसमें मोहन राठौड़ जी अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे आपके सामने और प्रत्येक स्टेट से जो लोग आए हुए हैं उनको भी एक मौका रहेगा, लेकिन उससे पहले प्रश्नोत्तरी रहेगी राठौड़ साहब से। जिन जिन को जो प्रश्न पूछना है वो स्टेज पर मौजूद रहेंगे, आप उनसे हॉटलाइन के थ्रू प्रश्न पूछ सकेंगे। छोटे छोटे प्रश्न जो आपके रहेंगे उन प्रश्नों के उत्तर ये देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद प्रत्येक स्टेट से आए हुए अब एक एक स्टेट से एक एक आदमी का ही यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो पाएगा अपने वक्तव्य का। तो मैं निवेदन करूंगा जितने भी स्टेटों से आए एक प्रमुख को आप नाम दे दीजिएगा मुझे ताकि उसको यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया जा सके। तो ये आज का हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो प्रस्तुत है आपके बीच में और उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आपके बीच पधारेंगे और मैं चाहूंगा कि जो इनका साक्षात्कार लिया गया था उस साक्षात्कार की ध्वनि आप जरूर सुने और उस पर मनन करें और उसमें क्या तथ्य है इसको भी कोशिश करें आगे जानने के लिए। तो मैं अनुरोध करूंगा साउंड सिस्टम पर बैठे हुए व्यक्ति से कि वो उस साक्षात्कार का आप जो है यहाँ पर प्रसारण करें। और मुझे लगता है इस सेशन में काफी शांतिपूर्वक लोग सुने हैं, मौका यही है। मैं एक बात और प्रस्तुत आपके सामने पेश करने देता हूं, मैं निवेदन करूंगा आपसे समय नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक चीज काम की है बता रहा हूं। एक प्रश्न जिस भाई ने पूछ लिया और उसमें जो प्रश्न है उसी को दूसरा उठाए नहीं, क्योंकि उससे समय भी खराब होगा और लोगों के बीच में वही बात फिर से जाएगी। तो मैं कहूंगा एक प्रश्न जो पूछ लिया आयोग के विषय में किसी ने एक ने पूछ लिया तो वो दूसरा रिपीट नहीं करे। इनके जितने भी काम है स्वतः सामने आएंगे और ये संक्षेप में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहेगा। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो नेता आपके सामने आकर छाती ठोक के कहेगा आप मुझसे पूछिए आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। तो रेडी है साउंड पेश है साक्षात्कार की ये कड़ी केवल 10 मिनट। आप शुरुआत से मेरे प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेंगे। आज हमारे साथ हैं पूर्व सांसद और वर्तमान में एमएलए महाराष्ट्र श्री हरिभाऊ राठौड़ जी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर डीएल और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राठौड़ साहब नमस्कार। नमस्कार राठौड़ साहब, ये जो साक्षात्कार मैं ले रहा हूँ आपसे, मैं मानसिंह बंजारा राजस्थान से, आपके इस लड़ाई के मुद्दे की बात पर आरक्षण के मुद्दे पर
इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा इसके इसके आप शुरुआत से मेरे प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेंगे, आप शुरुआत बताइए। देखिए उन दिनों 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ था जिसके तहत 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला, जिसमें विमुक्त थे, घुमंतु थे, जिसमें 12 बलुतेदार, ये मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं कि कार कश्यप लोधपाल बघेल लाजवर प्रजापति कंकाली वगैरह, ये सारे नाई खातीवाड़ी लोहार सोनार सुतार धोबी दर्जी वगैरह, ऐसे जो कम्युनिटी थी वो सारे इसमें इंक्लूड थे। तो विमुक्त घुमंतु और ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ये सारे लोगों को एक ही जगह दे दिया था 27% आरक्षण। तब मुझे लगा कि ये जो अदर कम्युनिटी मतलब मोस्ट बैकवर्ड और डीएनटी कम्युनिटी, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था जी। तो उन दिनों मैं इसकी स्टडी कर रहा था जी, कि कैसे जैसे महाराष्ट्र में बहुत पहले वसंतराव नाईक जी ने ये आरक्षण दिया था विमुक्त घुमंतु को ओबीसी से अलग कर दिया, तो तब पूरा देश में घूमता था। मैंने सोचा अरे भाई हमारे सब जो है गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, हमारे यूपी में लोग हैं, तो हम बहुत लाभान्वित हुए कि जब वसंतराव नाईक जी ने महाराष्ट्र पैटर्न करके महाराष्ट्र में जो आरक्षण लागू किया, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नौकरी में आए, काफ़ी प्रगति हुई, हमें स्कॉलरशिप मिली, हमारे लिए अलग हॉस्टल किया गया। तो ये सारी चीज़ें मैं देखा कि ओनली महाराष्ट्र में मिल रहा है, कुछ गिने चुने राज्य है जैसे आंध्र है, तमिलनाडु है, ऐसे दो चार राज्य में ये लगाया गया था, लेकिन देश में जो ये समाज है बहुत पिछड़ा था, आज भी है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये क्यों नहीं हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, अपने गुजरात में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। तो ये सोच से मैं इसको ये थोड़ा इसका स्टडी किया, तो मैंने इसके जो बैक रेफरेंसेस देखे कि उस टाइम मंडल आयोग में हमारे लाल नायक जी थे जो इसके मेंबर थे, उन्होंने कहा था बीपी मंडल जी को कि मंडल जी ये 27% के आप दो धड़े कर लीजिए, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, तो उस टाइम नहीं हो पाया वो। तो हमने वो मांग इस तरह चालू की कि महाराष्ट्र में जब मिल रहा है तो देश में क्यों नहीं है, और वहाँ मिलना चाहिए। यस यस, तो ये आप ये बताइए आपकी मांग के अनुसार कितनी जातियाँ आज ऐसी हैं जिनको वास्तव में आरक्षण सामाजिक न्याय से जो वंचित है, आरक्षण की लड़ाई जो जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संवैधानिक न्याय दिया आरक्षण का, किन किन जातियों को अब तक आपकी नज़र में नहीं मिला? नहीं देखो आपको तो पता ही होगा जो विमुक्त और घुमंतु की जो जातियाँ हैं वो तो हर एक स्टेट में अपने अपने स्टेट ने बहुत पहले ही लिस्ट निकाल दी है। अब यूपी की बात कर लो आप, वहाँ है भाट है, जोगी है, जोगा है, कंकाली है, सपेरा है, ये और सिग्लीगर भी है, बंजारा है, बर राजबर लोध केवट मेवाती औंधिया टेंगा भात वगैरह, ये लोग हैं ना, ये विमुक्त और घुमंतु में आते हैं। और दूसरी जो कम्युनिटी है जिसको एमबीसी कहते हैं, मोस्ट प्रभाव, उसमें जैसे नाई है, धोबी है, बड़े है, लोहार है, सुतार है, सुनार है, ये जो और क्या नाम तेली है, सैनी है, माली है, कोली है, ये जो लोग हैं सर्विस प्रोवाइडर मतलब व्यवसाय परंपरागत व्यवसाय यहाँ, जिनके गांव में ऐसे कुमार हैं जो, तो जो ये लोग हैं ये पूरे देश में है, हर गांव में है, लेकिन ये वंचित है। तो पूरी टोटल अगर देखा जाए तो विमुक्त घुमंतु की पूरे देश में 666 जातियाँ हैं, 666, एंड ये जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके 540 जातियाँ। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता था, एक प्रश्न मेरा ये है कि आपको ये बताइए कि डीएनटी को और जो मोस्ट बैकवर्ड्स हैं और जो आप पारंपरिक व्यवसाय करें इनको तो पहले से ही 27% आरक्षण मिला हुआ है, 27% आरक्षण मिलने के बावजूद आपकी कैसी मांग है? हाँ करेक्ट, आपने ठीक कहा, आपने ये प्रश्न अच्छा किया आपने, 27% आरक्षण है ये सभी को मिला के है, जिसमें जो ओबीसी में जो
खासा सुधरी हुई कम्युनिटी है वो भी आ गई है yes. तो नेचुरली वो फायदा उसका वो ले जाते हैं. तो 27% में ये दबे कुछ लोगों को डीएनटी को एमबीसी को कुछ नहीं मिलता. तो इसके पीछे ऐसा है कि जब 1902 में छत्रपति शाहू महाराज ने ये आरक्षण रखा था तो उन्होंने उनके स्टेट में तो कोल्हापुर स्टेट में महाराष्ट्र में तो लोगों ने पूछा महाराज ये आरक्षण क्या समझे ये yeah. तो उन्होंने जब एक दो घोड़े का उदाहरण दिया था कि दो घोड़े हैं तो एक मजबूत है दुबला पतला है और दोनों में अगर आप टोकरी में चना खाने दे दोगे मजबूत वाला तो नेचुरली मजबूत वाला खाएगा. और ये हो रहा है 27% में ये जो मजबूत कुछ लोग हैं वो पूरा लाभ उठा रहे हैं और ये पूरे लाभ से वंचित है. डीएनटी बीएमसी वाले हाँ आज भी आरक्षण से वंचित हो बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल अच्छी बात. लेकिन आपके अनुसार आपने कहा कि भाई इनमें बाइफर्केशन आप मांग कर रहे हैं 27% का बाइफर्केशन विभाजन. तो जब ये विभाजन होगा तो कौन कौन लोग इसमें है जिनको किस प्रकार से मतलब ये विभाजन का लाभ मिलेगा. ऐसा है इसमें 27% के तीन भाग हो सकते हैं जिसमें कि एक डीएनटी ये ग्रुप कहा जाएगा उसको हम आगे चल के शेड्यूल ट्राइब ये भी कह सकते हैं क्योंकि उनको हम डिनोटिफाइड ट्राइब वैसे भी कहते हैं तो शेड्यूल ट्राइब ये कहा जाएगा हो गया एसटीए. और दूसरा है ये जो ग्रुप मोस्ट बैकवर्ड क्लास मतलब तो उनको कहा जाएगा मोस्ट बैकवर्ड क्लास नो परसेंट क्योंकि ये नई खाती वाली लोहा सुना सुना जैसे परंपरागत व्यवसाय. और तीसरी कम्युनिटी उसको बीसी कहा जाएगा ए बी सी मतलब ए को कहा जाएगा ST1 क्योंकि पहले ST की डिग्री हमारे पास है तो उसको ST1 कहा जाएगा और बी को MBC कहा जाएगा और ये सी को BBC कहा जाएगा. तो इसमें 9% अगर हो गया तो सबको सामाजिक न्याय मिलेगा बराबरी का दर्जा मिलेगा सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा. नहीं बात बिल्कुल सही बात है. लेकिन आप ये बताइए कि आरक्षण की जो आप मांग कर रहे हैं इस आरक्षण की मांग के पीछे आपके क्या संवैधानिक तथ्य है. क्या ये वास्तव में संवैधानिक मांग है आपकी इसको थोड़ा आप बताओ. बिल्कुल है क्योंकि देखो जब 340 में ये कहा गया था देयर विल बी वन कमीशन विल रिकमेंड टू द राष्ट्रपति जी तो उसी मुताबिक ये मंडल आया. मंडल कमीशन के एक सदस्य ने कहा एक सदस्य ने डिफरेंट नोट दिए जिसमें डिसेंट नोट कहते हैं उन्होंने कहा कि मैं इससे अग्री नहीं हूँ इसके दो धड़े कर देना चाहिए. खैर उस टाइम नहीं हो सका लेकिन यही मामला जब वीपी सिंह जी ने जो 10% आरक्षण दिया था इकोनॉमिक विकास सेक्शन को और सुप्रीम कोर्ट पे मामला चला गया इंदिरा सानी वर्सेस भारत सरकार ये बहुत फेमस केस है और उसमें 9 जजेस थे और 9 जजेस ने सुमोटो ये स्टडी करके कहा कि हमें लगता है कि ये ओबीसी का 2 या 3 भागों में इसको बांट देना चाहिए ये 27% को. तो उस टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी राज्य ने किया अगर सरकार इसको करती है तो whether it will be a constitutionally valid तो उन्होंने उसका उत्तर खुद ही दे दिया yes it will be valid. तो ये तो संवैधानिक हो गया ना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है उनके 9 जजेस ने जब कहा है इट वॉज ए लार्जर बेंच इन द हिस्ट्री. अभी कभी देखो ऐसे मौके मुझे लगता है बहुत कम रेयर जो 9 जजेस यहाँ 2 जज होते 3 जज होते 5 जज होते हैं लेकिन इसमें 9 जजेस बैठते थे ऑनरेबल जजेस तो ये बहुत बड़ी बात है. कोई कानून आप कर सकते हो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वेदर कॉन्स्टिट्यूट वैलिड यस इसको वैलिड करा दिया इतना ही नहीं. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये जो दबे कुचले लोग हैं इनको जो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल के हिसाब से ये इनको सामाजिक न्याय मिलेगा. तो मेरा कहना यह है कि ये जो आपकी मांग है
ये राज्यों तक है या पूरा एक साथ आप केंद्र सरकार एक साथ मान रहे हैं? बिल्कुल दोनों को है। यस, क्योंकि देखो जब हम महाराष्ट्र को मिला लेकिन हमें केंद्र का आरक्षण नहीं मिला। केंद्र का मतलब है यूपीएससी, एमपीएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, जीआईसी, विमान कंपनी, जो भी है केंद्र सरकार के, मिलिट्री, इसमें कहाँ हमें यार गया। वो थोड़ा सा हमें देंगे क्योंकि वो मुझे लगता है वो एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। ये जो पंडरपुर की सभा थी ये 20 जनवरी 2003 में हुई थी, जिसके प्रमुख सूत्रधार हमारे गोपीनाथ जी मुंडी थे और हमारे मान्य प्रकाश सेन जी जिसके संयोजक थे और मैं सह संयोजक था। उस टाइम आपने सही फरमाया, उस टाइम प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ जी मुंडे और अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन पंतप्रधान वो भी आए थे और उनकी एक बात मुझे याद है, मुझे मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग भी है। तो वो उन्होंने कहा था कि विठोबा राय को साक्षी रखते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि भारत सरकार ने विमुक्त घुमंतु के लिए आयोग बनाने का निर्णय ले लिया है। और वैसे उन्होंने बाद में आयोग भी बनाया, आयोग का नाम था बी मोतीलाल नायक, जो बहुत कम मालूम है, जस्टिस बी मोतीलाल नायक उसके अध्यक्ष थे और मैं उसका मेंबर था। लेकिन क्या हुआ कि 2004 में जब इलेक्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई। उस टाइम मैं भी एमपी बन गया 2004 में, लेकिन उस टाइम इस आयोग को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो आगे नहीं कर पाया काम। भी जस्टिस बी मोतीलाल नायक वो जज बने रहे वहाँ। तो ये बात फिर आगे सिलसिला चला, मैं संसद में काफ़ी बार इसको मसले को उठाया, मैंने बार बार कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है आप कर दीजिए। तो कांग्रेस ने उसके विचार विमर्श करके रेन के कमीशन लाया था, रेन के कमीशन ने पूरे देश का दौरा किया और उन्होंने एक रिकमेंडेशन 2008 में दी। और उस दौरान जो रेन के कमीशन ने कहा था कि भाई इनकी जनसंख्या करवाओ तो इनकी जनसंख्या करनी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि एनआईसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में जो सोनिया गांधी जी ने ये जो मसला है ये अपने काउंसिल में उठाया। और मैंने भी एक लेटर जबरदस्त लिखा था माननीय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनको कहा था कि भैया देखो आपने तो हमारा कुछ आगे बढ़ाया नहीं बात, लेकिन ये जाट वगैरह आप लोगों को इसमें डाल रहे हो तो इससे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, ये ठीक नहीं किया आपने। तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखो राठौर जी आपको क्या चाहिए बताइए। मैं बोला सिंपल है सर, मानव कि आप जो ओबीसी हैं ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए। और फिर उन्होंने लिखा था कि विदर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी इज पॉसिबल और नॉट प्लीज एग्जामिन। तो उसी के ऊपर जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्होंने नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो जस्टिस ईश्वरिया जी उसके अध्यक्ष है उनके पास भेज दिया और उनको कहा कि वेदर तो ये पॉसिबल है क्या और ये करेंगे तो कैसे करेंगे इसका आप कुछ बताइए, रिकमेंडेशन कीजिए, रिपोर्ट दीजिए उसके बाद। यस, तो आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश दे दी, तो वो सिफारिश कब आई है और उसमें सिफारिश में आखिरकार है क्या? देखो 2014 में ये मैटर कांग्रेस ने उनके पास भेजा था नेशनल एनसीबीसी के पास। यस, और एनसीबीसी ने 2 मार्च 2015 में ये रिपोर्ट दी थी। हाँ, डेढ़ साल हो गया वो सरकार के पास पड़ा है, सरकार अभी उसको देख रही है, बोलते हैं कि दो मिनट साथी केवल दो मिनट का हो रहा है, लेकिन ऐसे कोई नहीं करेगा जब तक समाज से कोई मांग नहीं उठे। समाज से जबरदस्त उसकी सुबह से सुन रहे हैं भाइयों की दिने चर्चा सत्र छ ए चर्चा सत्र में से बुद्धिजीवी लोग आमेले छ विषय पर अपने चर्चा करे छ एरमा जेने ज्यादा कळत स्वतः चिट्ठी दो दीदी मिंटे हरिभाऊ जी ने सुधा मार नंबर विनंती दी है कि विषय जो प्रश्न पूछे वो रे ऊपर एक ही मिनट में ही उत्तर देर कोशिश करो। लाम लचक बोले मां मजा छे, ये कोई सुखेर बात छे नहीं कि आनंदेर बात छे नहीं कि ये तो कहीं अपन कहीं तरी कह रहे था
अपन कोई रामायण महाभारत लगाता नहीं, अपन केरी दिल बहला रहे कार्यक्रम छे नहीं, समाज में अंधार लाग रही छे, सारी समाज होर पड़ गो छे, लोकसभा रे में ये समाज के ऊपर अत्याचार डिक्लेयर करना को छे, अनि हमार समाज नीतीश सेठे दिया मेलो छे, तो ये करता एक हाथ जोड़न विनती छे कि स्टेज रे पवित्र रखाड़ो, विषय पत्रिका ही आता अनोनियम छ, विषय पत्रिका छे नहीं कार्यक्रम है ना, तो विषय पत्रिका अनुसार कार्यक्रम है जाए, हाथ जोड़ता नहीं विनंती, मत मार शेर केरी भावना दुखी हुई है तो मन माफ करो, केरी वाइट वाट रही है तो मन माफ करो, परंतु विषय असोच छ कि ये देशेर में मैं एक मिनट ज्यादा ले वालो छू, ये देश हरिभाव जी सांसद लेते, ये तो दी मुख्यमंत्री बन चले गए, कई लोग मंत्री भारत दिया में ले चा, ये देशेर माइक संविधान सख छे नी, इसे ती मोटो प्रश्न छ, ये देशेर माइक संविधान सख छे नी, ये देश संविधाने पर चाल तक चाले नी, अबालद हम सामने बात कर चकी, नौ चेचे वेतानी नी एक निर्णय दिने कर चकी यार बाइपरिकेशन करूं, पर ये देशे में न्याय व्यवस्था रात्रि मूर्ख से गई कि हमार दीदी तीन तीन अपील हम कोर्ट में रखा भी हमें 15-15-20 साल न्याय दे ही नहीं, तो पछि वो न्याय व्यवस्था रो हम मान करा कि ये न्याय व्यवस्था रो मान करा, ये देशे में संविधान दी प्रकार चाल च, ये देशे में कायदा दीदी प्रकार चाल च, हमार संविधान प्रमाण 1932 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देव ने कास्ट लिस्ट तैयार की दो, वो बड़े ना हम गोरवाटी बंजारा 8 नंबर पर था, यह सीमा 26 जुलाई 1950 से ने गोरवाटी ये आदिवासी में था, आदिवासी में था ये देश है मैं, जर हम देखें चले तो हम मूल 1978 ने तो नहीं तो 1857 ने ना 62 ने धर्म ट्राइबल एम था, तो विषयांतर को नहीं तो हम मांगने का ही मांगा, एक मिनट विषयांतर को नहीं, अच्छा बात कुल जर समझा वो भी सी जर मांग रहा भी है तो वो भी सी ने घटना कौन से कह रही था कि वो भी सी में भाई पर कैसे ने सारू कौन से संविधान है कल में प्रमाण हम मांग रहे था, जर समझा ये देश है भाई जर समझा यस्ती दर सवलतिया मांगी है भारत महाक कर्नाटक के अंदर यस्ती मिया आंध्र अंदर यस्ती मिया, तो पद हम संविधान इक्वालिटी एक्ट थी हमारे देश में लागू सच्चे नहीं, दूसर बात जर समझा कन्याकुमारी रो यस्ती कि वहाँ कन्याकुमारी रो यस्ती दर का कश्मीर में जाते हुए तो यस्ती यस्ती दर था कर्नाटक में मायरो दर यस्ती यस्ती दर महाराष्ट्र में आते हुए तो वो पन वेदर था, पद डोमेशन डोमेशनियर जैसा हम कहता जेना हम सर्टिफिकेट लता तो वो कैसे करता, हम जर समझा ये देश है मा हम ये राज्य में हमें ना हम कुर्सी शेड्यूल मत छे नहीं तो बस हमें क्रिमिनल को का एक लागू हो ये बातें हमें ना उरा हमें ना एक एक मन के वेतानी चर्चा करो और ऊपर अभ्यास करो, अतिरिक्त मारा अपेक्षा सर अभी से बात तेरे बदल जो मैंने आगे ना सूची है जो मैं ये विषय ऊपर मैं गौर माती ये कुछ यस्ती तक यस्ती तेरे नंतर क्या वालों जो इस सूचना करता नहीं मार कार्यक्रम धामु जो जय सेवालाल जय सेवा ताली ले आओ सुन मस्त सब्जेक्ट अने ये मैं ऐसे कई विद्वान बैठे चाहता ये टोपी से वो मुझे टोपी में वो वसु वाटे तो ये लॉ कर में लिए वकील हो गए थे वकील ही पाए फिर से मैं बात कर तो मैं इनके दूसरों नहीं नहीं बोला तो हाँ अपन ये तब देख ले कति प्रूव करे घर अच्छे अपन एस्टिट था ये प्रूव करे घर अच्छे नहीं अपन एस्टिट था 100% था तेरी तो मैं आपने मैं एक तो पढ़ गए तेरी तो मैं मरे नहीं ये सवाल सवाल ये है इधर दूसरा बात बाबा साहब रिपोर्ट करो ये बात क्या इधर ले अपन वो यार सेलेक्ट ट्राई वी डोंट वांट टू प्रूव
करते हैं। हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम सेलू ट्राइब नहीं है, हम सेलू ट्राइब ही है, फिर भी आपको नहीं मिलता। देखो भैया, मशीन हाथ जोड़ रो छू बाती खाल दे जा पेलो सत्र आचो हो तमार मने मेर बात भी है। भाऊजी आवाज बोलो, रमेश भैया बोलो, अब प्रश्न उत्तर सत्र छ तमार मने जे कई है आरक्षण संदर्भ में प्रश्न छ किंतु परंतु कोई वो तो माइक मानसिंह भैया जे लोग मांगे उन हाथे में दो अतिशय सटीक शब्द में कमी शब्द में आनी परिणाम कारक प्रश्न तमारो जे कई छ वो तम बाउन पूछो मां आदरणीय हरिबाबू ने विनती करी हूं। मां आदरणीय हरिबाबू ने विनती करी हूं। हेलो तमार उत्तर, तमार उत्तर एक किवा दी वाक्य में रेणु काई गरज छे तात्रा मोटा एक्सप्लेनेशन करे। ठीक है हां बे भैया एक मिनट बोलो भैया, अब पैसे को नहीं आ गया हमें पैसे उत्तर बोले दोगे। मैं पूछ कह रहा हूं के जो बोल जा तो भादर चाल को जे लोग प्रश्न करवा जो पैसे हमें वाद विवाद ना करता प्रश्न को नहीं हमें बोले दो जो हम के सब हां भाई बैठे यहां पे हाथ हाथ जोड़ो विनती था हमारे हां भाइयों पहले तो एक भी थामो यहाँ जो आए सब विद्वान को बुलाए इसलिए सभी विद्वान है और हमारे प्रिय और हमारे भजन करीबी है बहुत अच्छा उन्होंने प्रत्येक मने मेरे बात है हर एक के मन की बात है कि हम वहाँ एसटी वहाँ एसटी हमारी बोली भाषा एक है हमारे लैंग्वेज एक है हम शादी ब्याह करते हैं फिर क्यों नहीं मिलता यही है ना सवाल ये मेरे मन में भी आया था आज भी आता है लेकिन बस सौ बात की एक ही बात ये नहीं मिल सकता है आगे चलो भाइयों मुझे मैं पहले गोमाटी बोली हिंदी में कौन बजाओ पहले नंबर के हाँ तो भाइयों प्रथम था मी हरिभाऊ आठोड़िया धन्यवाद देते कि ऑल इंडिया पंजाब बस हेलो ये प्रश्न रिपीट हो गया इसका उत्तर मत दीजिए आगे सर मेरा सवाल है हमारा असो प्रश्न छ आपण समजली आपण अब विजय एंटी रो मांगा करण केले जा आणि सेम द टाइम आपणे भारते माई काही लोकांना एससी एसटी रो ऑलरेडी आरक्षण मळरो छ परवादीर सामरे ता बोलतो बोलतो काही कस कि हमने शे बंजारा ना हाई सूची एकत्र पूरे देश में लागू येणू आणि शेनू ना ओबीसी लागू येणू अनुकरण कस आणि जन काही प्रश्न पूछाचा आपण की जेरो एसटी एसटी लागू वरो काही करायचा जन हाय प्रश्न थोड़ा सा बगल दे दे रे शेरो एकत आरक्षण मांग रहे था आपण ओबीसी में तो करण एक मुंडे थी तो हनु जर हमार जे भाई उन्होंने एसटी एसटी आरक्षण मोडो छ वनु बनती छोट धाणी हमने तर दे रहो धव मळे आपण न चाहे नहीं शेर एक दोकर मतरो कोई 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 भी हमें मालूम चल अरे हाँ अरे तेरे शेडू जिसके जिसका शेडू टाइम मिल रहा है या शेडू कास्ट मिल रहा है वो वैसे ही मिलते रहेगा उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक मिनट लमाणी साहब प्रश्न पूछ रहे हैं पर्चा देकर क्या ऑनरेबल हरिभाव राठौड़ सर मैं गणेश लमाणी गोवा से बात कर रहा हूँ मार क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इज गोवार गोवार जे समाज वो मै वी कम अंडर जनरल कैटेगरी तो वो मै काय प्रोसीजर्स बिकॉज ये थी पहला भी घर ऑर्गेनाइजेशन आताने ना प्रोग्राम करता ने भी हमें आश्वासन देने बट द फॉलो अप वॉज नॉट राइट सो वॉट वी वॉन्ट इज द कॉन्क्रीट प्रोसीजर
कि अपन वोन क्यों फॉलोअप करेगा तो हमने मारा था तो आई स्टिल रिमेम्बर इन 2000 परिकर गवर्नमेंट से ना वे तो वो हमारा जैसे एससी में काम कर रहे थे वो मैं एक क्लॉज करता नहीं प्रोविजन काटना गोस कंप्लीटली काटना गोस और अभी भी कई परिकर गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट से होता आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी गवर्नमेंट बट वी वॉन्ट द कॉन्क्रीट सोल्यूशन एंड द करेक्ट प्रोसीजर बाय विच वी कैन फॉलो अप विद द हायर अप्स सो दैट हमार समाज गोवा समाज भी होता एससी को तमका ही करो जो एक category mein ghale bas kar thank you and then today as per the law it is not possible to give any reservation to you because you are from the outside and any outside candidate can not give a benefits of that particular state so main vichar kar rahu chu tare go hum prashna to mare maharashtra ma sari lok karnataka diya mile aur bane ye hal cha उन्हें नहीं ना एस सी मा एस टी ओबीसी भटके नहीं वो बिचारे ओपन एम से मजूरी करना मिले आई नो मैं 17-18 वर्ष थी एक प्रस्ताव दिन सरकार कि भाई जे सब चारे जन्म मत हो समझा गोवा में जन्म हो ठीक है उन्हें बापेन मत दो उन्हें बापेन मत दो नियारी मत दो पर वो छोरा से जन्म पर्टिकुलर गोवा में हुई है और उन्हें कोई प्रॉपर्टी छे होता कर्नाटक आंध्रे में वो जाएगा भी चेंज मैंने कहीं समझ आएगी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सरकार ने कायदों लाए उस सर हमारे 1961 बिफोर गोवा बिकेम द फ्रीडम फ्रॉम द पोर्चुगीज वो थी पहला रिकॉर्ड सर कि हम जैसे गोरमाटी नो आमले जुगन सर मी एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा ओनली तो तुम्हारा अगर काय अगर प्रयास सर तो विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर का गॉट होप लेना आमले सर थैंक यू प्रथम अभिनंदन आप सभी लोगों को जो सब लोगों को मन में एक ही प्रश्न है फर्स्ट थिंग वी कांट यूटिलाइज द रिजर्वेशन मैसेल्फ डॉक्टर बाबूराज नाईक फ्रॉम कर्नाटका बागलकोट आई एम प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट प्रश्न एक सेम मने वाला जो यूनिवर्सल रिजर्वेशन लाया रो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल आई थिंक इट अंडर्स टू जेंटलमैन गणेश आल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर ओरिजिन इन दैट स्टेट इटसेल्फ इफ यू क्लेम एससी यू कांट गेट इफ यू क्लेम एसटी यू कांट गेट ओबीसी टू सम एक्सटेंट विथ द पॉलिटिकल विल एंड आवर रेवोल्यूशन देन ओनली यू कैन गेट इट दैट्स व्हाट आई फील सो माय पर्सनल ओपिनियन I hope, Haribabu being a senior person, this has to take not the reform, it has to take the revolution. It has to reach to the end user of the community. Samajam je last month, sir, only kanlu ko ee one reservation is zorok, sir. At kai hum bhale cha, so-called cream of the society. At taye cha, viraveshati vate kara cha, post da cha, at the end, when you go back to home, you forget to get back to your routine work. This is 100% true, you should accept it. प्रश्नेची सजेशन मी आता ठीक राहत सो दॅट कॅन बी टेकन अप इट कॅन बी डिलीटेड इट्स लेफ्ट टू द इंटेलेक्चुअल फोरम ओर सर मला काही विनंती सर द इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ दिस ऑगस्ट गॅदरिंग समाजात प्रत्येक माणसाने जगायला काम करा लेट इट टेक एन रेव्होल्युशन वन थिंग सेकंड थिंग To add power, आपका हरिभाव साहब का ही आपका मॉडरेटर वेतनी कोऑर्डिनेटर देखिए गाइड करके प्रयत्न करें सर उन शक्ति भर सर दर एक राज्य थी वत्तर का इश्यू सर वत्ती स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर खालता नहीं इफ इट गेट्स रिकमेंडेड टू सेंटर आई थिंक दिस ड्रीम कैन कम ट्रू जय सेवालाल जय भीम लेट व्हाट इज गुड नेम प्लीज डॉक्टर बाबू राजेंद्र डॉक्टर बाबू राजेंद्र नाईक डॉक्टर बाबू राजेंद्र नाईक यू हैव रेज्ड द क्वेश्चन एंड यू हैव रिप्लाई आल्सो सो The simple point or kind sir, कि ये जो बात अच्छा है हिट तनी जाए नहीं। हरिभाव राठौर कहीं कर रहा था, आज कहीं को था, ये तम तो दाल भूल जाओ तो, अनुभव क्या नोट। मोटे मोटे भाषण कर जाऊँ था अपन, अने ही घर जाल से भूल जाऊँ था, और हम क्या नोट था कि लास्ट में क्या तनी ये बात ही पूछ जाऊँ। चलो नेक्स्ट। पूछे। हाँ बोल। मैं भीमसेन राठौर मध्य प्रदेश इंदौरी सभी बंजारा भाइयों मारो जय शिवाला मारो एक ही निवेदन है कि आज तक पूरे राष्ट्रीय लेवल पर कोई हमारे समाज रो कोई ऐसा नेता हो
जो हमारे समाज की कोई बात होता है राष्ट्रीय लेवल पर उठाए हो। अब जो भी हमारे समाज और व्यक्ति होते हैं राष्ट्रीय लेवल पर हमारी समस्या, हमारे जो भाई गरीब पिछड़ के उन्होंने समस्या राष्ट्रीय लेवल पर उठाओ जाए तो उन्होंने हमें पूरा पूरा साथ देना चाहिए। ये हमारा फर्ज बना है, ये हम सब परिवार के लोग बैठे जाते हैं, अतः कोई हम राजनीति नहीं करने आए जा, हम भी मध्य प्रदेश से आए जा, 25-30 लोग लेने आए जा और सब समाज से जुड़े हुए हैं, सभी से मारो यही निवेदन है। जय शवाला, धन्यवाद। महाराष्ट्र में तो मध्य प्रदेश में मैंने काफी काम बोलो, किया, बोलो साहब बोलो, फाइल चल रही है अनेक। हेलो, आरक्षण मिले नहीं ऊपर पड़ गए त्री पर बोलना कहाँ लग रही अरे वो तो कहीं गए था पुलिसें सिटी में जी मरे उसके लिए क्या कर रहा सुनो नहीं यार कंफ्यूज हो गए थे शेड्यूल टाइम पड़े नहीं करो तुम हाँ शेड्यूल टाइम मैं नहीं मत करो जो कौन मरा जळगाव पाळोळा तालुका पोपटरावजी नायक एकदम दीद नहीं करता मजा तो आए छू तो मार घर खेतारी मार ध्यान जारी छे કે મારો પરિવાર કંઈ કરવો એ યાતા મારું તો લક્ષ્ય જારો છે અને જો આદમી જીવનભર ઓલ હિન્દુસ્તાની માં જે રાત રાત દન સમાજ એ કરતા જર કની આવાજ ઉઠાતો એમ જોઈએ શાસ્ત્રી ની આવાજ ઉઠાતો એમ જોઈએ અને વો આદમી ને આરોપી વાંગરા તો પૂછણો એ બિલકુલ ગલત છે એ સમાજ એ અધિકાર છે સમાજ સમાજ ને વ્યક્તિ ને કે જો આરોપી વાંગરા આપણે રાઠોડ સાહેબ આપણા એ કરે છે એ મારી એક વિનંતી છે જો આજ આજ તરી માં કહું છું કે સમાજ એમ એક વ્યક્તિ બાબા આંબેડકર પેદા આવી જે આપણો રાઠોડ હરિભાવજી રાઠોડ જો સમાજ એ કરતા ઓલ હિન્દુસ્તાન માં મહારાષ્ટ્ર માં પંજાબી મેં હરિયાણા મેં એકદમ આતા આવાજ અને આરોપી વાંગુર જર વિચાર કરતી હે તો મિત્રો મેં એક શેતકરી છું માં અનપઢ વ્યક્તિ છું માત્ર કોઈ શીખો આદમી છું શીખું કોને છું જર આરોપી વાંગુર જર આપણી ભાવના સમાજ રહીએ તમારો કાંઈ એવડો કોને કે જો આપણે આપણે કરતા આવાજ ઉઠાડીએ તો કામ સમાજ જન બોલે જય હિન્દ જય શિવલાલ પોપટલાલ ની આરોપ ફેરવા છે धन्यवाद शांति रखाड़ो हमारे कर्नाटक अभिवृद्धि निगमाकरण करमले तांडा अभिवृद्धि निगम आती अपन तांडे ने बाहर बेनिफिट्स सर ಆದರೆ ದುಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾ ದೇಖತೊ ಅವ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ನೇನ್ ಕೆಟಗರಿ ಮಾ ಭೀ ಸೇರ್ಸಾಯ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಅಪ್ನೋನ ಪಾಚ್ ವೇರಿಚ್ ಅಪ್ನೆ ಕಾಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರೇನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರೋತೊ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯನ ಅನುಕೂಲ ವಚಕರನ ಮಾರೆ ವಿನಂತಿ ಸರ್ हलो मैं वामन राठौर रिटायर्ड एम्प्लॉय हरिभा साहेब धन्यवाद दू छू मैं जनाती मुंबई आयु छू जनाती हूँ समाज रो काम कर हलो शांतर सुभाष भैया वो कह रहे थे कि 22 वर्ष से थी काम करो छू मैं तो आया जनाती 35 ईयर से थी देखू छू मंत्रालय में इतने जनाती समाज रोज काम कर मारो एक प्रश्न थी E999 ABCD कर रहे जो पन व्हाट अबाउट क्रिमी लेयर जर क्रिमी लेयर लाग रो हो तो काई फायदा छे ये तीन ही कैटेगरी जर 999% करे जो तो वोन जर क्रिमी लेयर लागतो हो तो क्रिमी लेयर अंगड़ी हटाओ आणि पची डिमांड करो अदरवाइज नो यू बरोबर अभी तो परिस्थिति में बताए तो मैं एक मिनट भाई क्रिमी लेयर काना के हां एक मिनट जय शवालाल
मैं संदीप चव्हाण जिंतूरकर नानक्या सामाजिक कार्यकर्ता महाराष्ट्र रो हरिभाऊ अपन आत्राजी आज कार्यक्रम कि आप स्वागत आप समाज तर्फे मारी एक प्रश्न तक्रार दो वीस तमा है फक्त तीन मिनट वेण मिलो आज अपन शादरा समाज बदल जमेले आदरणीय हरिभाऊ राठोड अपने मोटा भेटेच परंतु एकमेव हरिभाऊ राठोड अपने महाराष्ट्र में आमदार छे इंदूर व्यतिरिक्त सुधा कहीं आमदार महाराष्ट्र वो आमदार अपने का नाता छे वंधुना हरिभाऊ राठोड भला है परंतु वो आता हाजिरी है कोई फक्त संजय भाऊ आए थे फक्त तीन मिनटे सर हाई संजय भाऊ चुकी रोज वो महाराष्ट्र राज्य महसूल मुख्य महसूल मंत्री सर महसूल राज्य मंत्री सर वो एक मिनट मन बोले दो सर प्लीज मन बोले दो एक मिनट मन बोले दो नहीं मन मार मारो मारो प्रश्न ये एक मिनट सामने लो मारो प्रश्न ये कि जर समझा हरिभाऊ राठोड एक हाथ स तो हरिभाऊ राठोड सोबत चार हाथ देते प्रदीप नाईक ही है आमचे माजी आमदार तुषार भाऊ और बाजे मनोहर भाऊ असे अनेक आमदार जे बंधू सुद्धा आता आयन चावतो तो जना वलंताने हरिभाऊ ताकद वाढीये आणि वो टाइमिंग आपण आरक्षण मिळीये आरक्षण आपण मागित मिळाला कोणी आमदार खासदार जना लोकसभा विधानसभा मारडाये जना आपण आरक्षण मिळावळच कारण आपण जे समाज ताकद चौ ताकद आयन चा यात्री मला विनंती धन्यवाद धन्यवाद हा नेक्स्ट बहुत अच्छा एक मिनट एक साफ पूछ रहे मायसेल्फ गोविंद राठोड एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर हरे भाऊ जी आपने ये बताया कि अपन ट्रैवल एक्ट अपने को लागू है और 100% अपन एसटी में आते हैं फिर भी अपने को 100% ये रिजर्वेशन मिलता नहीं आप दोनों बातें एक साथ कही मैं ये सभागार को पूछना चाहता हूँ हम सब लोग एसटी में आते हैं लेकिन हमको एसटी मिल नहीं सकती ऐसा सभागार कितने लोगों का कहना है प्लीज हाथ ऊपर नहीं मिल सकता ऐसे कौन लोग सब बोलो मत बोलो मत प्रश्न ये नहीं एक मिनट प्रश्न ये अपने 100% अपन एस टी महाचारोबत 100% अपने रिजर्वेशन मिल सके 100% मिल सके आता कतरा लोग मत सर प्लीज आता हाथ ऊपर हाँ बोलो मठोड़ साहब एक 5% लोग हनु के नहीं कि हमें 100% मिल सके यार मतलब 95% लोग कहना चाहिए कि पहले आपने रिजर्वेशन मिल सके हाँ ये स्टेट मिल सके हाँ तो बस आपने मिल सके नहीं करना आपने और प्रयत्न करें रहे हैं एक ये कि आपने योग्य चाहिए नंबर एक नंबर नहीं आज आज प्रश्न का ही सर आज आज प्रश्न का ही सर हरिभाऊ राठोड काम कर रहे हैं हरिभाऊ राठोड ये भी बता सर कि मात्रा काम करो तुम आज सोबत आएंगे सोबतार कारण ये बी अपने एस टी मांगनी रिजर्वेशन मावाच सेवा हाजिर भाव कर मिले नहीं कारण बाबा कहीं लोग तुट जाए अपने हरिभाई सोबत तैयार छे ये अजेंडा ना बरबर है कारण कहीं लोग अपने सोबत है पर मारो कहना चाहिए 100% अपन का अपना प्रश्न का अपन जर खो प्रश्न दुसरा प्रश्न मारो कारण मैं करो जो साइमल्टेनियसली एस टी मागनी आणि तम केले जो दुसर मागनी है साइमल्टेनियसली दोन्ही मागनी का करू नये आपण एक जो मळे जो मळे एस टी आपण तो चाहत होतो आपण आपण फोज तयार करायचं चाहत आपण फोज वीक चा करा आपण करतो आपण 100 लेखा मळे एक मिनिट आप खूप शांतीत सांगतो एक मिनिट एक साहेब साहेब एक शांतीत सांगा एक मिनिट शांती सांगलो बिया हे बिया थांब थांब शांती रखो सुनिए शांतिपूर्वक सुनिए शांतिपूर्वक सुनिए आपने सबको पूछा इसके साथ मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ पूछ रहा हूँ कि क्या शेड्यूल टाइम मिल सकता है आपको पूछ रहा हूँ मिल सकता है बढ़िया बढ़िया बढ़िया
हरिभाऊ राठोड लड़के राठौर साहब, ये एसटी का आरक्षण कहाँ मिलता है? शांत रहो, शांत रहो। ये कहाँ मिलता है? नहीं, एसटी का नहीं, ठीक है, बोलता हूँ मैं, बोलता हूँ। एसटी का रिजर्वेशन का ये जो अपने का थ्री लिस्ट है, वो थ्री लिस्ट में से ये सेंट्रल लिस्ट में आता है एसटी का। उसका रिकमेंडेशन कंसर्न स्टेट से जाकर सेंट्रल लिस्ट में अगर वो विषय है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्पावर टू टेक द डिसीजन, वहाँ मिलता। अब बोलो आगे। प्रश्न उत्तर चालू है तो गवर्नमेंट का मतलब है मोदी कर सकता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उत्तर देता हूँ ना। नहीं नहीं, ये देखो आप, नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, आपने अपने ये धारणा बना के रखी है कि अभी किसी हालत में किसी परिस्थिति में मिलता नहीं। ये तो आप मोदी का बोल रहे हैं ना, एक जमाने में भी भाजपा वालों को सिर्फ दो सीट मिले थे, तो कभी जिंदगी में सोच नहीं होगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट चुन के आएंगे। प्रश्न का उत्तर नहीं, नहीं मैं प्रश्न का उत्तर नहीं बोल रहा हूँ। आप बोलो। मैं आपको बता दूं, आप नहीं बता सकते हो, संसद भवन पे बिल पास होना वो समय प्रोसीजर है, नो द प्रोसीजर। अरे कौन पास करेगा तुम्हारा बिल? मैं बोल दो को, मैं एक आपको मालूम है इंग्लिश में क्या आया था। मैं बोल रहा, मैं बोलता हूँ, सुनो ना मेरी भी। देखो एक मिनट, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। आई देखो, मैं थोड़ा सा अनपार्लियामेंट लैंग्वेज में बोलूंगा। एक कहावत है हिंदी में, गांडू हाथी फूस को भारी। मैं बोल रहा हूँ, अपने खुद ऐसे बनाओ कि सो आप ये लड़ाई जीत सके। अपन अगर लड़ाई अपने खुद ही हार जा रहे हैं, ये नहीं मिल सकता। एक बार जोर से तालियां बजाइए, इतना लाइव प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रश्नोत्तर का हो रहा है, लेकिन आपके प्रश्नों का भी उत्तर मिल गया है। एक मिनट सर, माफ कीजिए मुझे। देखिए, ये चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली 20 साल तक जिन्होंने जिया है इस चीज को, जिन्होंने 20 साल तक प्रैक्टिकली इसको जिया है, संसद से लेकर के और तुम्हारे विधानसभा विधान परिषद तक, उन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता उन लोगों में होती। लेकिन आपके लिए पूछ रहे हैं कि एसटी का मिलने के लिए संविधान के अंदर कौन से तथ्य हैं जिसके तहत आप दिला सकते हो, उनमें एक भी तथ्य आपके पास नहीं है। आप बुरा मत मानिए, अगर एक यहां पर स्पष्ट नहीं हुआ, एक तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, देखिए, अरे मैं साहब की तरफ से बोल रहा हूं, भारतीय संविधान के एक भी तथ्य आपको स्पष्ट नहीं हुआ। आप सुनिए, तसल्ली से सुनिए सर, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। हेलो, एक मिनट, अरे एक मिनट सुनिए, आप सुनिए भैया, काय नाम से ना माइक आवाज करो, एक मिनट सुनो। हेलो हेलो, पर्सनल इश्यू डिस्कस ए बी ओ चर्चा सत्र का वेदर भैया, ये पॉलिटिक्स का शांत का मने की सर संभले रही है ऐसा। अगर फिलहाल हम गोवा से हैं, यहां क्यों आ गए? संतोष भाऊ, ओके ओके ओके, वेयर आर यू मैन? शांत दे दी सर चर्चा, मैं जाऊं मैं सब निकल जाओ। ये क्या है, संसद है? शांति शांति सेना संसद है यार।
आपने गोरमाटी नाइक साहब ने छोड़ता नहीं केनत मतदान कौन की थे
ये मतलब सब मेरे के तरी आप नाईक साहब कारण नाईक साहब दोषी छे नहीं व्यवस्था दोषी छे व्यवस्था दोष छे व्यवस्था करती मनार बात नाईक साहब कहीं के लागो कि आप मन समाज जरा महाराष्ट्र सर्व का यशवंतराव चव्हाण कर भा मार समाज देत छ मन केमेत काढता मन काय ते देत छ जरा डी आयोग देशमुख आयोग आणि थाडे कमिटी आयोग डी आयोग नेम ताणी आपले ना ओबीसी माहिती काढता इच्छा अर्थ का दिन का दिन कारण बोलो हार गो तू एस टी मोहन देर आता प्रयत्न करेल बाकी हार गो तो बस आप मन को अपने एस टी मनत से कहीं और बड़े वाले तो 70 साल का चल गए ये उत्तर के अर्कन से कहीं छे नहीं तो मन का ही केर दुआ कि आप अपन सेम महाराष्ट्र में ही आणि चतेर भी ओबीसी में ही सर अपन ये हरिभाव के रखो कि एस टी वाले ना एस टी में काटता नहीं ओबीसी में घरों कर मैं कोई क्यों और आज भी कोई क्यों एस सी में ही सर वन एस सी में काटता नहीं को वो भी वर्णन कर तू मन वन काटे वाला छे अरे भैया ये अपन ओबीसी सर कॉन्स्टिट्यूशन ने 340 अंडर अपनी मांग रहे था और ये 340 अंडर चार्ज कहीं 341 ये सी उठा 342 कलम जो पण ये सुरू छ आ 340 कलम वो भी सुरू छ आपण 300 ओबीसी 340 बोल रहे छ पण एसटी वाले का धोका वाले मनन का शंकारी छ 342 वाले एसटी का मनन शंकारी छ और बदल क्यों कौन कह रहा वो एसटी रे वा आंध्र वा आना मिल रहा हमारो नाइक छ आपण प्रदीप नाइक और आधो घर एसटी में छ आधो घर में जेटी में छ पूरे महाराष्ट्र में हमारा थोड़ा माइल 5 जिला से निजामर काय माई बोतस रे आंध्र माई रे ते निजामर रे माई वो एसटी माई का कुन के पछ का कुन के कारण का तू महाराष्ट्र मा होगे भाषा वार प्रांत रचना वे की आपण महाराष्ट्र मा होगे आणि आज घर तो गमे चुकलो वे रे तो प्रश्न आहे स हे आओ की हरिभाऊ ना आपण काय केले छ की एसटी मुळच काय तोर सरळ केलो छ मार मांगणी एसटी माई मा छोडो कोणी छु केलो छ काय तू तुम्हारे एस टी छोड़ दिन कर क्यों रोजगाई हूँ एस टी भाई मार मारने सर जो मारे वो लड़ मुझ चु चालो सवार अब मर्चा काटो चुकाई अब वो अब मर्चा काटो टीचर में ना मैं चालो से तो तेरे एस टी मान जी रहे आप से कहीं क्या मैं ताकत वो तो कोई आई एस टी दालो कर तो कोई आई चालो से हरिवाब पर जाओ तो हरिवाब ना रखूं जाओ क्यों कम देंगा हरिवाब ने ला दिए वो तो एस टी मांगो एसटी मुळेनी मुळेनी का केलंच कारण काहीच आई हवामाई तलवार फिरती काही कोई बरे नाही आई काय लक्ष बात येत तू दुसरी एक मिनिट संपारो तू प्रश्न यांचा हरिभाऊ काहीच आपले एसटी आजर तारखे मुळेनी आज आपण ओबीसी भाटेगावकर मामा मामा भाटेगावकर मामा 340 माई ओबीसी माई आपला बजारा छा सेंट्रल गव्हर्नमेंट माई आता विजेती छा पण सेंट्रल गव्हर्नमेंट ओबीसी छा ओबीसी में आपको टक्का से दूसरे खाने से तार से क्या दूसरे खाने से तो वो सर आपन आपने टकरा तो सर जरा शाव महाराज दिए पुलिस दिए मैं जो शाव महाराज आपने तीनों को वो बात जो कह रहे जो वो आते रहा वहाँ कर ले जावा ये बात ये आपने पांच मिनटे ये तरह भूमि का सामना अपना समाज ये भूमि का सामना दो अन्य तब ये आपको कायदेतज्ञ वकील रमेश भाऊ राठोड ये 5-10 मिनिटे मा आपण प्रस्ताव मांडी एक पूछू मार शेर रिकॉर्डिंग कर लो अगर मैं आज ये छड़ी शाला महाराज पर हाथ मिलो कुछ सोकर कर कुछ मार आर्टिकल अनि मत जो तुमने रिजर्वेशन किया तो दस भारत देश में तत्त्व के तत्त्व के दान पूछ रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर लो कुछ कि साइबर विषय का ही ताजा नसाब गोंदल बहुत गोरमाटी नहीं मालूम है सर साइबर विषय सर कि कॉन्स्टिट्यूशनल 123 अमेंडमेंट बिल पहला दूसरा विषय का ही सर कि ये समाज रिजर्वेशन मोलस का ही मलस तो कुनस कुनस है एक तो वो भी शेड डिवीजन और दूसरों से ये स्टील आरक्षण की वह ये स्टील आरक्षण और तीसरों से कि तीसरा शेड्यूल ओके कि बंदरों रिकॉर्डिंग कर लो भारत देश जो तन्ने तेरी वंदार पुतो ये एडवोकेट रमेश आठ वंदार वकील छोड़ दे कि आर्टिकल तो लगा ही कैसा भैया तुम्हारे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और हरिभाऊ पार्लियामेंट ये में घनो आसमान फरक सर भैया कि कायदा पार्लियामेंट बनो तो कायदा लेजिस्लेशन पार्लियामेंट कड़ा है
सेंट्रल गवर्नमेंट कडे काय आहे, एक्झिक्युटिव्ह पॉवर आहे. सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंटला स्टेट गवर्नमेंटला आदेश देऊ शकतं, पण लेजिस्लेशनला देऊ शकत नाही. कंटिन्यू करतो हे बंधन पूर्ण थांबलो. रिकॉर्डिंग करत होतो गोरमाटी बोर्डाचं आर्टिकल 14 काय घ्यायचं. आर्टिकल 14 इनबिल्ट रिझर्वेशन म्हणजे काय, की इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. विरोधक काय घ्यायचं की कायद्यासमोर सगळे समान आहेत. डेफिनेटली ही डेफिनेशन चुकीर केलेच. काय केलेच, हनुम मिसलीड करताना आपण फसारेच. का, कारण का सुप्रीम कोर्टात ऑलरेडी डेफिनेशन काय केलेलीचं की इक्वॅलिटी अमंग्स इक्वल इज कायद्यात इक्वॅलिटी. एक डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन काय केलेलीचं, अनइक्वॅलिटी इज अमंगस्ट इज इक्वल इज कॉल्ड एज इक्वॅलिटी. म्हणजेच काय, ज्या वेळेला एखादा जोशी माणूस आणि एखादा ब्राह्मण माणूस ओरकन पात्र प्याचं, जोशीकन पाचन, ब्राह्मणेकन पाचन, तो म्हणतो इक्वल आहे. समान स्तरावर समान पद्धतीने जगणाऱ्या माणसाला समान कायदा आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय, एक बंजारा आहे आणि हा ब्राह्मण आहे, ह्याच्याकडे ह्याच्याकडे 10 रुपये पण ब्राह्मणकडे 15 रुपये. ज्या वेळेस ह्याला 5 रुपये दिलं तर तेव्हा दोन्ही इक्वल होतात. चांगलं भाई, एकदम फिलॉसॉफिकल अस्पेक्ट. ज्या वेळेस राज्य घटना लिहिली जाते, ज्या वेळेस राज्य घटना लिहिली जाते तेव्हा फिलॉसॉफिकल जे अस्पेक्ट बसतात ना लोक, त्यांना सोशिओ इकॉनॉमिक आणि कल्चर आणि एज्युकेशन हे 4 फील्ड बारकाईने तपासावं लागतं. पण पुढे जाऊन आर्टिकल 16:4 मध्ये काय म्हणतं भाऊ, इंग्लिश मध्ये डेफिनेशन सांगतो, नथिंग इन दिस आर्टिकल. राज्य घटनेने आपल्याला परिपूर्ण अधिकार दिले. ते कसं इंग्लिश मध्ये वाचून सांगतो आणि मराठी मध्ये तुम्हाला ट्रान्सलेशन करतो. काय सांगतं, नथिंग इन दिस आर्टिकल. वाचू द्या, रिकॉर्डिंग करा. म्हटलं भारत देशाच्या तज्ञाला विचारा, जर मी आज रिजर्वेशन बद्दल चुकीचं सांगितलं तर वकील बंद करणार आहे. शिवलाल महाराज मार पाटील आरचं मग खोटं बोलू नये. नथिंग दिस, हिंदी बोलता सुनिए. आर्टिकल 64 में क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन व्हिच इज द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडेक्टली म्हणजे पर्याप्त रिप्रेझेंट ऑफ दिस सर्विस. म्हणजेच काय, की एखाद्या राज्याकडनं काय करणार की ज्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नथिंग इन दिस आर्टिकल. हाँ, कि जब डॉक्टर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिया हुआ था तब ने 16-1, 16-2, 16-3 यानी कि 3 जो है उसमें रिजर्वेशन है, लेकिन 16-4 में उसने लिखा है कि मैंने आपको रिजर्वेशन दे दिया. किसने दिया, राज्य घटने ने दिया. और स्टेट को क्या बोलते हैं कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते उसको, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, उनको देना ही है. किसको, जिसका अधिकार है, आपकी ड्यूटी है. राज्य घटना ने अधिकार आपको दिया हुआ है तो आपको अधिकार ये स्टेट को देना ही पड़ता है. इसे आर्टिकल 16(4) में क्लियर बोला हुआ है. तो अभी तुम तो मुझे रहते हो, अगर आप जो 5 क्राइटेरिया है फुलफिल करते हो, सर बोल रहा हूं ना कंटिन्यू, तब आर्टिकल 16(4) को इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 15(4) में जाइए और चेक करके लीजिए. और कंटिन्यू करता हूं, जब आरक्षण, जब जो आपने 5 क्राइटेरिया एसटी के, अगर हम एसटी के 5 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो हमें रिजर्वेशन कौन देता है. हरिभाव का मुद्दा आ गया, रिजर्वेशन सिर्फ रिजर्वेशन कौन देता है, सरकार देती है. लेकिन कायदा कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है. और हमें ये ऑलरेडी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, अरे आप पहले लिस्ट में है क्या, हम बोलेंगे क्राइटेरिया फुलफिल करते. वैसा नहीं चल सकता है, क्राइटेरिया फुलफिल करते हो या नहीं करते हो ये आपका पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो काम हमारा नहीं है. आप लिस्ट में हो क्या, 1950-56 में जब लिस्ट बनाई गई थी तब महाराष्ट्र के बंजारे लिस्ट में नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या, ये तो हमारा अधिकार नहीं भाई लिस्ट में, तो चलो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट का केस और हाई कोर्ट का केस. मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेट यानी कि पार्लियामेंट को कभी इंडिकेशन नहीं दे सकता है, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमिडेशन कर सकता है. वो कैसे, वो इस तरह से कर सकता है, जहां पे आप जिस राज्य में रहते हो, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में मैं कह रहा हूँ पुणे में रहता हूँ, लेकिन एसटी में रिजर्वेशन चाहिए तो एसटी का रिजर्वेशन का ऑफिस कहां से है, पुणे में है. तो एसटी कमीशन को सुन लीजिए, वन साइड करता हूँ, आपने मंडल कमीशन बहुत बोल रहे थे भाइयों,
मंडल कमीशन को कभी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन कमीशन का मेमोरेंडम अगर मंडल कमीशन किसने स्वीकार किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, और उसका चैलेंज कौन किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, किस केस में, इंदिरा साड़ी, कब, जब कमीशन का आर्डर होता है तब सुप्रीम कोर्ट उसे चैलेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप कमीशन को चैलेंज नहीं कर सकते हो। वापिस आता हूं कि हमें किस रीजन है, लेजिस्लेशन में तो नहीं मिल सकता है, यानी कि पार्लियामेंट में तो नहीं मिल सकता है, असेंबली में तो नहीं मिल सकता है, तो कहां भेजना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूज किस तरह से, आप एसटी कमीशन में जाइए वहां पे एप्लीकेशन कीजिए, लेकिन एप्लीकेशन इस तरह से करना चाहिए कि जो हमारे पांच क्राइटेरिया है, संस्कृति कल्चर जो भी है उसका डेमो दो, एक्सप्रेशन बताओ, डेमो दो, एक्सप्रेशन बताओ। अगर एसटी कमीशन स्टेट को भेजती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत डिफरेंट है कि आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन बहुत वास्ट बताया गया। कंटिन्यू वापस आता हूं कि अगर पुणे के जिले के ऑफिस का जो एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट में आया तो स्टेट गवर्नमेंट उसे रिजेक्ट कर दिया, तो आप हाईकोर्ट में डेफिनेटली जा सकते हो और हाईकोर्ट सरकार को पूछ सकते हैं। सरकार और संसद बहुत डिफरेंट है, और मैं फिर भी वापिस दोहरा रहा हूं कि सरकार और लेजिस्लेशन पावर में बहुत डिफरेंट है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अभी जो साहब ने बोल रहे थे, कंक्लूजन यही है, कंक्लूजन यही है, जो चीज हासिल करना है वो इजी नहीं है, जो चीज हासिल करना है वो इजी नहीं है, कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। और दूसरी बात, जो ओबीसी बाइफर्केशन बोल रहे हैं सर, अरे 1206 कास्ट है, 1206 कास्ट डिवाइडेड बाय 29 क्या, तो सिर्फ 0.02 रिजर्वेशन मिलता है। अगर एसटी में जाओगे 9% 7% है, और डिवाइडेड बाय अभी 8.5% है, तो क्या, तो मिनिमम 1% मिल सकता है। इसलिए भाई बहनों, बोला स्वागत करें बढ़िया साहब।
आए हुए श्रीपाल सिंह जी नायक। श्रीमान आप अपना स्टेज पे स्थान लें, इनका भी स्वागत करें तालियों से एक बार। आप शांत हो जाइए, बहुत कुछ आप कर सकती है, शांत हो जाइए। कर्नाटक से आए हुए हमारे पूर्व एमएलए श्रीमान मनोहर एनापुरे साहब, आप मेहरबानी करके स्टेज पे स्थान लें। दिल्ली से आए हुए हमारे पूर्व काउंसलर पृथ्वी सिंह जी राठौर साहब, आप ऊपर आप स्थान जेपी पवार साहब ऊपर आए। श्रीमान हेलो, श्रीमान चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश से जो आए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्थान लें। गोवा से आए हुए लंबाड़ी साहब गणेश लंबाड़ी जी, आप स्थान प्राप्त करें। श्रीमान आनंद नंगड़ी साहब, आप स्टेज पर स्थान प्राप्त करें। गोवा से आए हुए आनंद नंगड़ी साहब, हरियाणा से आए हुए महावीर जी, तालियों से स्वागत करें, हरियाणा से आए हैं। जेपी पवार साहब, मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप स्थान लीजिए। आप सुनिए शांतिपूर्वक, भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए हैं लोग। मध्य प्रदेश के मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो स्थान प्राप्त करें स्टेज पे। मंगलम पवार भाई सागर कछावा जी, देखिए ये बहुत संघर्षशील इतने संघर्षशील समाज सेवक हैं, हर समय तत्पर रहते हैं और हर जगह पर इनकी उपस्थिति रहती है। एक बार तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। सागर कछावा जी, अच्छा जिला 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 प्रमुख महोदय, माधुरी जी, माधुरी आड़े जिला परिषद अध्यक्ष सदस्य, हेलो, छत्तीसगढ़ से आए हुए छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जी स्थान लें अपना। उड़ीसा से जो आए हैं वो भी अपना स्थान ले लीजिए। अशोक राठौड़ जी, अशोक राठौड़ अपना स्थान ले लीजिए। मोर सिंह जी, और महाराष्ट्र का तो पूरा नेतृत्व है इधर, आप हाँ बिल्कुल सब हमारे लिए मान्य हैं और एक से एक बढ़ के हैं हमारे लिए। क्योंकि साथियों एक मिनट सुन लीजिए मुझे, जितने भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, सबकी भूमि ये महाराष्ट्र भूमि रही है, इसलिए इसको हम बार बार शुरू करते हैं। और बंजारों के अंदर भी अगर कोई नया इतिहास रचा जाएगा और दिल्ली के अंदर भी कोई परिवर्तन नया होगा तो वो भी महाराष्ट्र की तरफ से ही होगा, ये आप विश्वास रखिए। इसीलिए हम महाराष्ट्र वालों के पीछे पड़े हुए हैं, वरना बहुत लोग हैं पूरे भारत में, बहुत बन जा रहे हैं और एक से एक बन जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र वालों के लिए इसलिए पीछे हैं क्योंकि जितनी भी क्रांतियां यहां हुई हैं और देवतुल्य मानते हैं हम, माने हमारे नायक साहब को,
और उसकी भूमि को बार बार प्रणाम करते हैं और आप सबको भी आपके चरणों में भी हम वैसा ही प्रणाम करते हैं। पूरे देश से आए हुए लोग एक बार तालियां जोरदार हमारे आए हुए अतिथियों के लिए। अब मैं टीसी जी को दे रहा हूं स्वागत। हेलो गौर भाइयों, भाषण कोई करे मात गौर शिकवाड़ी नायक काशीनाथ नायक निमंत्रित करू छू स्टेजे पाणु और बात अतिशय तड़मणी थी लारे आधे घंटा एक घंटा थी हमारे संतोष चौहान जो गुलाबा में सर मोटो काम छो और इच्छा छ कि मंदी भी बोले छ मत संतोष भी आना संधि भी चाहिए कार्यक्रम गोरु रो छ आप लोग शेर हो छ प्रत्येक रात बोले संधि मने जाए मैं ये मत रो छू पर तू बोल तू ना आपने ना पुलिस पद्धति थे आप प्रश्न मान रहे था वादावादी ने हेणु अतिशय सौम्य भाषा में बोलिया तो हर प्रश्न उत्तर मिली निष्ठा डीले भाषण जाए तो 70 साल की गोरमा की निष्ठा कपड़ा फाड़ रही था। मान माफ करो भैया आज ये कार्यक्रम दरी बाहर कैसे हेणु संतोष जो तेरी कमी हेणु देश में गोरमा की आमेल था मैं संतोष चौहान ने रोहित करूं चुका हूं संतोष भैया उत्तर प्रदेश के उत्तम सिंह भाई उत्तम सिंह चौहान दिया ऊपर दिख रहा तो मात्रा बोल रहे कश्य संतोष चौहान तीन मिनट आप लोग बात बोलिए। हाँ मुंबई से बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जय शिवाला जय शिवाला जय Shot, 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 sh
रात्रि वही साहब ने भाऊ भाऊ मैं आपको माफी मांगना चाहता हूं माफ कर वार्ड का नाम 226 कुलाबा साउथ मुंबई में अपना 17000 बंजारा समाज है 17000 बंजारा समाज है बाबा साहब के रूप में धारण लाओ हरिभाव राठौड़ समाज बराबर अब हम 17000 बंजारा हरिभाव राठौड़ ने पूरा पूछा तो 12000 बंजारा हरिभाव राठौड़ ने न पूछा तो क्यों पूछा कौन पूछा दो दो मिनट इनको सुनिए उत्तम चौहान साहब उत्तर प्रदेश से आए हैं मेहरबान करके स्टेज पर आ जाएं और अब मैं कर्नाटक से आए हुए मनोहर एनापुरे साहब अपने दो मिनट बात रखेंगे गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे विरोधी खासदार लड़ाई हुआ कारण बोरपाटी उद्यान हुए बरी सुशील कुमार शिंदे विरोधी उत्तर दू तुम्हारा उत्तर किती बरोबर बरोबर मुद्दा बरोबर जो जरा सामलन लेते फक्त सामने तयारी रखाडो बिया बोलेन तो शेज बोल सकत पण सामलो अंदर से हुशियार चो विचारवंत चो तज्ञ चो जय सेवालाल कर्नाटक के आमले से पण कृष्णा के शिवगा जी चल भाई चल सर सेजी राजकीय वाला चो प्रति ओब्रो सेजी ने स्थान का जोकन सर सेजी ने टैलेंट का जोकन सर दरअसल ये चर्चा करे रहा स्टेज को नसा हुआ बस सेजिया नहीं क्योंकि बेसे ना मन बलानो करन चर्चा करे तो ये स्टेज किन्नी बलान गौरव दे स्टेज को नहीं दरअसल चर्चा करे भाग ओके कर मैं ये कह मैं सोशियोलॉजी स्टूडेंट हूँ सेजी बातें करे जो फर्स्ट अपने का जो कौन लैंग्वेज है ना प्रीति विश्वास आदो ओके जनगण ना अपने ना कस को ने के एक राष्ट्र राष्ट्र अध्ययन से ऑल ओवर इंडिया अध्ययन शेयर मले जो तुम विचार कसर कर रहे जो चर्चे अत्ताज बेरे जो हो रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जानू अपने कैस्टर बगे चर्चे करनो करन कर रहे जो तमार तमे माज एक गुट छिया कदर पता कुना से चर्चे करो जो तमार जे कम्युनिटी छिया तमाज ऑल ओवर अत्राय स्टेट के आमले जो तमार तमा स्टेट में से राजकीय गणों को तमा एमएलए हावा मैं जेडपी हावा वो हाव के तमार तमार ग्राम मा अपने रस का कौन कम्युनिटी कर ले आदमी ती आदमी बेलसर चर्चा कर ले ये राष्ट्र मा अत्राई वाली जिले ती से शेरन तमा जे कम्युनिटी कर ले मुक्सा तो वो जे एक राजकीय मा एक दोटे व्यक्ति ना अत्राई राष्ट्र वाले के एक व्यक्ति आ एक एक जिले ती आन वाते करो तो ऑल ओवर इंडिया रा अत्राज आदमी कोनी ऑल ओवर इंडिया मा अपने एससी बंजारा कम्युनिटी कछो को सेजी आखा जोड़े तम एक एक आदमी यहाँ चर्चे करने माँ विचार अत्यंत भाषण करो जो जाते हो बड़े ये वो हाई को ये हाई को काय भी वो आते जाई को नहीं कसे रोड़ी थी विचार भार आ जाए काय विचार करे जो ये क्ले आप तो यस्टी करे जाए वो तो ओबीसी करे जाए लंबा नहीं वो काय करे जो तो विचार विचार आर अवर इंडिया हवी ओके का ये इंडिया माँ अपने रा कम्युनिटी
नाम विचारा चानो पूछानो सेते कैस्टर बगे करे तो तमार मक्लो प्लस एससी वा स्कूले मा नन मगा एससी स्कूल ल ओतिदाने करो कोजो मिनिस्टर मडो राजका व्यक्तिगळु कोण कोचो एससी करन वाते करो चो कोई लंबाणी से प्रीति गौरवा दो चो का वो दो सोनी एसटी कैस्टर कैस्टर कसे चानो स्कॉलरशिप चाणो हमार मक्लो वाले एजुकेशन चाणो जमीन रोडी ती ऊ चाणो आधार इनकम छात्र तुम कैस्टर बगे तोर वचम आदरे हम एससी वाला हाव करें केले कुणस राज्य मा कुणस स्टेट मा हात पाले हिंड रेचो के मा हिंड रे कोती तुम केलो चौधरी सर वाते ती वाते सज्जी दोड व्यक्ति हो वेगी का हाय मेला केरी वाला चर्चे गड़ो ना कुणस रीति चर्चे कमो इस स्टेज पर काइन से ओन करो व्यक्ति का गौरव देने कर कोनी प्रत्येकरण गौरव आदित्य अच हिरियर मुकंड अपन एक आदमी के आगे नहीं ओके 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 थैंक यू सर ओके वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान मनोहर अनापुरे साहब कर्नाटक से आए अपने विचार रख रहे हैं वीरा वेश्वर ताड़ी वाते करी मा आते से नहीं मा रिटायर्ड कमिश्नर रोहित राठौड़ रेफरेंस से पर कर्नाटक में इंसिडेंट रिजर्वेशन है संक्षिप्त में बोलो तो हम एसटी कोई मेहरबानी कर कोई बोलो मत मैं 3 मिनट में भाषण करना है कौन थी हमारे कर्नाटक में रिजर्वेशन क्यों ली रहे संक्षिप्त में बोलो 1976 एलआर नाइक दिवंगत एलआर नाइक बीजापुर रहो राज्यसभा एमपी हो तो कर्नाटक में आधा स्टेट रिजर्वेशन एससी होते साउथ कर्नाटक नॉर्थ कर्नाटक में हम ओबीसी में थे तो सेम आंध्र में आधो स्टेट एसटी में तो आधो स्टेट जनरल में थे तो एकलो एक एमपी आज मैं रविंद्र नाथ एम पी हृदय करूँ छू वही एम पी वे मिनिस्टर भी होते फक्त दी मन क्या प्लस वन सपोर्ट किए अन रिजर्वेशन क्यों लाए एक स्टेट में एक कम्युनिटी रिजर्वेशन उस कम्युनिटी बंजारा कम्युनिटी रोटी बाटी एक से एक पर तो वो ओबीसी तो एरिया रिस्ट्रिक्शन रिमूव कराए एक स्टेट में एक कम्युनिटी एक रिजर्वेशन बन ली चाहे दी अलग अलग श्रेणी तो फाइट कौन की जाए एक एमपी एक एमएलए तो आज पूरे देश में एक एमपी सीताराम नाइक तेलंगाना थी अपन पार्लियामेंट टाइम्स तो वो थी कचरा शक्य अपने मालूम से नहीं तो अपन गोविंद राठौड़ कहें कि एस टी मांगनी करे चाहे हरिभाव जी ओ बी सी इश्यू एम एल एस ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ वहाँ रिजर्वेशन एस टी करना कितना वो प्रयत्न तो मार विचार कहीं चाह मार एक रिक्वेस्ट कहीं चाह महाराष्ट्र मुखंड प्रमुख थी तब एक डिसीजन लो आइदर यू गो फॉर एस टी रिजर्वेशन डिमांड और यू फॉरगेट एस टी मे नहीं 100% का तब ग्यारंटी दी है तो वो छोड़ दो ओ बी सी करो डी एन टी सॉरी डीफाइड ट्राइब्स तो ये गोंदले में अपने जो कुलसी भी ये मर्डर गोती मैं विनती करूँ छू कि प्रमुख लोगों ना कोई भी आज हरिभाव है जो देख लो कोई तो रही है तब से बैठता नहीं आज बंजारा क्रांति दल ये ऑल इंडिया बंजारा सेवा खान संगठन वो तमाम तमाम संगठन तमाम संगठन करो पर तो समाज इश्यू आओ ना तब से एकत्र होता भड़ता कर लो मार विनती डिवाइड डिविजन मत हो डिवाइड मत करो कहा तो वो इश्यू वो मैसेज गवर्नमेंट इन दाउस अरे बंजारा समाज में एकता छे ही वो ने एक नाली संगठन वो ने डिमांड नाली था इन्हें एक संगठन नाली था इन्हें एक डिमांड नाली था हनीवता ने अपने इंदौर सक्सेस सक्सेस वेरी गुड तो आज मैच पीटे पर जो बैठे थे हनीवाल राठौर पकड़े शेयर कह रहे थे वो बाहर बाहर स्टेट वाले थे तो आज कतराई को आज प्रमुख लोग महाराष्ट्र आज बैठे हुए थे तमसे भरता नहीं समाज ने एक करो संगठन तो हजार का नहीं लेता पर तो समाज ने इश्यू आना रिजर्वेशन ने आरक्षण ने इश्यू आना तमसे भरता नहीं फाइट करो तो तुम सक्सेस हो तो निकाल गोली 100% मान जाए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों धन्यवाद आईना पुसाबे आई नेक्स्ट गोवाती गणेश लामाणी दी बिंदु आदे करू मारी विनती हेलो बोलो जय सेवालाल महाराज की मैं गणेश लामाणी गोवाती रिप्रेजेंट करू छु आई कम स्ट्रेट टू द मुद्दा
जनाबी मार प्रश्न हरुभाव सर यदि तो आई वुड लाइक टू कम टू द स्ट्रेट पॉइंट सर वी रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मार हम्बल ओके गोरमा टीवी आओ तुम ना मार हम्बल रिक्वेस्ट सर हमारा पूरा गोवा बंजारा समाज वड़ी थी हम रिक्वेस्ट करा था कि तम डीएनटी एमबीटी एंड ओबीसी ए बी एंड सी ये तीन कैटेगरी की दे दो अवर रिक्वेस्ट इज कुंशी भी एक कैटेगरी में और प्रोसीजर करता है हमें एटलीस्ट एक नानकी मोड एयर में भी कहा तो आज गोवा परिस्थिति तमें मालूम सा जापा क्यों ने काल वो बाबू आजगांव का मिनिस्टर हमें काड़ा सकन कहते सो देर आर लॉट ऑफ सोशल इश्यूज वो मैं डिस्कस करें जाओ ने बट हमारे भी वो अपलिफ्टमेंट ऑफ दी पीपल कोई आईएएस या आईपीएस ये मैं आयर सर जरा वी जस्ट वांट इन एनी ऑफ दिस थ्री कैटेगरीज वोन क्यों भी तम रिक्वेस्ट फ्रॉम द गोवा बंजारा समाज थैंक यू सर डेफिनेटली वी विल डिमांड रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू ऑन पार विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ओके थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद लमाणी साहब अब मैं अनुरोध करू छू आपने जिला परिषद के अध्यक्ष भाई माधुरी आड़े तम तुम्हारे विचार आ ऑल इंडिया बंजारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस निमित्त थी सारी देश में थी आए हुए गौर भाई ना जय सेवालाल सारी देश में बंजारा समाज भले सारे आणि भावी पिढी विकासी सारू आज ही परिषद अत्यंत महत्वपूर्ण छ बंजारा समाज राष्ट्रीय नेता माजी खासदार आणि आमदार आदरणीय हरिभाऊजी राठोड हेनूर प्रयत्न आपण शेर सात मंडळ मळ अत्यंत गरजेच छ आज शेर मनीती जे एक मुखी निर्णय घे ओरे सारू प्रामाणिकपणा ते आपण से प्रयत्न करीचे आहे आज अपेक्षा करू छू आणि आज ये परिषदेन मनोकामना शुभेच्छा दूसू देताय माझी शब्द विराम दूसू जय सेवालाल बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं अनुरोध कर छू आपने साधना ताई दे तम आओ सामाजिक विचार थे काफी तुम आपके विचार बहुत ही सराहनीय है आपको पहले कई बार सुना है और स्टेज पे आओ सुनिए तसली से सुनिए आप वो कॉर्डलेस को चालू दूसरे कॉर्डलेस दो मिनट में टाइम सब गौर भाई मारो जय सेवाला मैं सवार आज तमार विचार मन सांभळ लेर छ तमार विचार काही विचार मंथन करण वादे मारो जे अभ्यास छ ऊपर मैं सवार सविस्तर बोलियाळ छु हम एक 15 मिनट सविस्तर बोलियाळ छु 2 मिनट मार मुद्दा क्लियर वेवाळ छे ने आणि अब फक्त मना स्टेजे पेटे जंदु ने एकत्रच मारो जस मारो कि मैं एक महिला वडी ती बोलू छु तमे ना कि हरिभाऊ छो तम छो तम एसटी आरक्षण दे राव कि वापस ओबीसी डिवाइड बस तम बंजारा समाज सरू का चालू सन मैं तम बंजारा समाज सरू काही भी करो पण ये मारी याडी भेनेच आज भी तांडेवर अवस्था आत्री बेकारच आज भी हमार माते पर चार चार घड़ियाल बेड़ो छ हरिभाऊ अपने बातरा उपकार कर दे हमारो बेड़ो हेट उतार दे ये पर मैं सविस्तर आज सवार बोलियो धन्यवाद मारो एक क्वेश्चन भी चाहिए ऊपर भाऊ जर आप केंद्र में ओबीसी डिवाइडेशन मांग रहे था ओमा ओबीसी डिवाइडेशन 99% तमार जे क्यों जो सविस्तर से सांभळ देज मग क्लियर कोणी करा पण आपण राज्य में जी एसटी आरक्षण मांग रहे था आप वो भी लड़ा कायम रखाड़ू शकाचा कहीं मेरा इतना ही कहना है जो डिवीजन इजीली हो सकता है वो किसी का विरोध नहीं है बराबर समझो कल मिल जाएगा अगले महीने में मिल जाएगा यूं समझो अक्टूबर में मिल गया नवंबर से चालू एसटी चाहिए सबसे पहले मैं ही बहूंगा आपको जरूरत नहीं इसके बाद मैं जागीर सिंह वर्तिया जी को जो पंजाब से है अनुरोध करता हूँ वो अपनी बात रखे सबसे पहले जय सेवालाल
सत्रिया का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आप सभी को यहाँ उपस्थित देखकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि भाऊ की जितनी भी मैं मीटिंग अटेंड की है, ये सबसे बड़ी मीटिंग है अब तक की जो मैंने अटेंड की है, और मेरे मुझे इसी भी खुशी हो रही है। बहुत सारे सवाल आए, मैंने सुने, और मैं पूरे भारत में मैं भी ऐसे घूमता रहता हूँ, है तो गरीब हूँ लेकिन घूमता रहता हूँ। गोवा में भी गया हूँ, गणेश लमाने जी, आनंद अंगड़ी जी, सबसे अगर आप मेरे से पूछते हो कि किसी स्टेट की जो संस्था है सबसे स्ट्रांग और उसमें एकता, वो कौन सा स्टेट है, वो है गोवा। इसका एक प्रेसिडेंट आनंद अंगड़ी जी यहाँ बैठे हैं और सभी लोग इसके साथ, कोई डिवीजन नहीं है वहाँ, सब इसके साथ। बड़ी खुशी होती है ऐसे स्टेट को देखकर मेरे को। और आज मैं भाव की बात करूंगा, हमारे पास बहुत लीडर है, गिनती नहीं है, बहुत संगठन है, गिनती नहीं है, लेकिन सेंटर की सरकार में किसी से टाइम लेना, किसी से बात करनी, ये हर किसी के बस की बात नहीं। जो भाव कर सकते और नहीं कर सकते, और जहां तक लड़ाई लड़ने का है, बहुत सारे संगठन हैं, हर कहता मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो भाऊ के थ्रू लड़ी जा रही है, और किसी के थ्रू हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। अगली बात, मेरे भाई ने कमिश्नर साहब, मैं भी AIG रिटायर हो गया हूं, अब फरवरी में पंजाब पुलिस में था, और मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और भाऊ भी मेरा घर इसे इनकार नहीं करते, स्कूल ट्राइब थे, अगर हम स्कूल ट्राइब थे तभी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हमारे पर लगा था, वो शो कर रहा कि हम स्कूल ट्राइब थे, ट्राइबल हैं, लेकिन इसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। पंजाब से मैं बात करूं, हमने रिकमेंड कराकर पंजाब की सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है, इनको स्कूल ट्राइब में शामिल करो। और अब ये मेरे भाई बैठे हरियाणा वाले, इनका भी अब तैयार हो रहा है, वो भी हम जल्दी भेजने वाले हैं, वो भी तैयार हो रहा है, CM से बात चल रही है, जल्दी वो तैयार होके वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश हो जाए। छत्तीसगढ़ भी हो रहा है, यूपी से भी सिफारिश हो चुकी है, हो चुकी है, महाराष्ट्र की भी बाहू जी बोलते हैं सिफारिश हो गई है, हर स्टेट से सिफारिश जानी चाहिए। और जो लड़ाई बहू अब लड़ रहे हैं, मैं थोड़ी उसके बारे में करनी है, जो काम आसानी से हो जाए वो कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल कहता है, और जिसमें कोई अड़चन ना हो वो काम कर लेना चाहिए। हम पंजाब में स्कूल कास्ट में हैं, फिर भी हम स्कूल टाइम मांग रहे हैं, दिल्ली वाले स्कूल कास्ट में हैं फिर भी स्कूल टाइम मांग रहे हैं, हरियाणा वाले स्कूल कास्ट में हैं, कुछ BC में हैं फिर भी स्कूल टाइम मांग रहे हैं, मांग सभी स्टेट के लोग स्कूल टाइम मांग रहे हैं, लेकिन होगा कब, जब आप लोग चाहोगे तब। अभी लग आप लोगों ने चाह ही नहीं कि आपको स्कूल टाइम मिल जाए, का अकेला भाऊ नहीं दिलवा सकता, मैं नहीं दिलवा सकता, कमिश्नर साहब नहीं दिलवा सकते। आप जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, क्या अंग्रेज चाहते थे कि हमको भारत दे देंगे, नहीं चाहते थे ना, क्या भारत छोड़ना चाहते थे, नहीं चाहते थे,
और भाव भी कहता कि हमको स्क्रू ड्राइव नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते, वाकई सही बात है नहीं देना चाहते, लेकिन लेने वाले तो आप हो, क्यों नहीं लेते? जब हम हिंदुस्तान को याद करा सकते हैं, क्या आप स्क्रू ड्राइव नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेंगे, जरूर लेंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी, कुछ भी करना पड़े करेंगे। कितनी बार हमने धरने दिए, पर भाऊ के साथ जब हम देखते हैं, भाऊ जी आपके साथ कितने लोग आए हैं महाराष्ट्र से, क्या बोलूं, कहने को मन नहीं करता। जंतर मंतर पर बहुत से हमने धरने दिए। अरे धरना तो हमारा तब कामयाब हुआ जब कहा गए हम ही कहां से आए, 1,00,000 व्यक्ति आए महाराष्ट्र से आए, तो स्टूल ट्राइप भी मिल जाएगा। जब हम घर बैठेंगे तो स्टूल ट्राइप नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेवेंगे। पर तब जब आप लोग सब घर में से बाहर निकलोगे और सड़क पर आओगे और सरकार को कहोगे हमको स्क्रू ड्राइव दो, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक स्क्रू ड्राइव नहीं मिलेगा, तब मिल जाएगा। अब मैं बात कर लूं जो भाऊ ने लड़ाई लड़ी है, चल रही है, ये बड़ी आसानी से हो सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। ये तो एक शेड्यूल में डिवीजन है, नया शेड्यूल नहीं है, इसमें कोई संशोधन नहीं है, कोई संशोधन करने की बात नहीं है, ये तो सिर्फ सरकार ने कह देना है कमीशन को, अरे भाई कमीशन वालों ये बनाओ, इसको पॉलिसी कैसे बनाना है, कमीशन ने पॉलिसी बनानी है और वो लागू हो जाना है, इतना ही काम है और बहुत लंबा काम नहीं है, इसमें डिवीजन हो जाएगी। और जो हिंदुस्तान की सरकार है अब की, ये करना भी चाहती है, क्यों, क्यों ये कभी नहीं चाहती कि इतने समाजों के लोग इकट्ठे हो जाए, क्योंकि इनके पास भी वही है अंग्रेजों वाली पहाड़ों और राजगुरु की नीति है, इसलिए इन्होंने डिवीजन जरूर करनी है, जरूर करनी है, लेकिन भाऊ ने ऐसी डिवीजन करा लेनी है कि जो हमारे फेवर की हो। थैंक यू, बहुत बढ़िया समझा आपने, धन्यवाद। एक दिन बाहर खड़े रहो, सीएम साहब आने वाले हैं तो कोई बाहर खड़े रहो। इसके बाद मैं अनुरोध करता हूँ पृथ्वी सिंह राठौर साहब जो दिल्ली से है वे अपनी बात रखे। जय सेवालाल, मैं पृथ्वी सिंह राठौर अभी जैसा कि मंच का संचालन कर रहे हैं, जिस साथी ने मेरा नाम लिया, मैं भी अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं दिल्ली से हूं और कांग्रेस की टिकट पर 3 बार चुनाव लड़ा हूं, 2 बार जीता हूं, अब की बार परमात्मा की कृपा हुई तो अब की बार हम थोड़ा सा रह गए। लेकिन एक बात और मैं गर्व से कहता हूं, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले यहां पर चर्चा हो रही थी, एक दूसरे की तरफ लोग छींटाकशी कर रहे थे, शर्म भी आ रही थी देख के, ये बात कहना चाहता हूं मैं कि जहां जिस क्षेत्र से हरिभाऊ राठौर जी जानते हैं, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आता हूं, उस क्षेत्र में केवल मेरा अकेले का बंजारों का अकेले का घर है, बाकी अदर कास्ट है, 72,000 वोट है, तमाम दूसरे लोग जो है मुझे चुन के भेजते हैं। और उसके बावजूद भी जब जब मुझे मौका मिला है मैंने बंजारा समाज की बातों को सदन में उठाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। मैं आदरणीय हरिभाऊ राठौर जी और उपस्थित हमारे महावीर जी, जागीर सिंह जी, आयनापुरिया साहब और तमाम जितने भी बैठे हैं मंच पर हमारे नेतागण और उपस्थित बहनों और भाइयों, ज्यादा समय आपके और हरिभाऊ राठौर के बीच में मैं नहीं लेना चाहता, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। एक तो मैं ये बात गर्व से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हरिभाऊ राठौर जी ने पिछले सालों से लगातार संघर्ष किया है, उसका रिजल्ट अब आने वाला है और उस रिजल्ट की प्रतीक्षा हम बड़ी बेचैनी से कर रहे हैं। हम हरिभाऊ राठौर जी से आज सवाल भी कर रहे हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं एक बात को अच्छा, वो भी जमाना था, मेरी भी उम्र, मैं वैसे आपको
कद में छोटा नजर आता हूं लेकिन 56 बरस की मेरी आयु हो गई है। मैंने भी छोटे से ने चाहे भानावत साहब हो चाहे रणजीत नायक साहब हो उन तमाम लोगों के साथ काम किया है, उनके चरणों में बैठ के सीखा है। लेकिन उनके बाद अगर किसी व्यक्ति ने बंजारा समाज की बात उठाने के लिए बीड़ा उठाया है उस व्यक्ति का नाम हरिभाऊ राठौर है मेरे साथियों। और मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में एक मात्र कोई नेता है बंजारों का तो उसका नाम हरिभाऊ राठौर है। हरिभाऊ राठौर घर घर जाकर स्टेट स्टेट में जाकर सारे प्रांतों में सब जगह जाकर शहर शहर गली गली मोहल्ला मोहल्ला और टांडे टांडे में जाकर बंजारों को जगाने का काम करता है। पिछले दिनों आपने एक आवाज सुनी होगी, हरियाणा के अंदर जाटों ने आरक्षण मांगा, किस तरीके से जाटों ने वहां पर इकट्ठा होकर अपनी एकता का सबूत दिया आप और हम सोच भी नहीं सकते। हम अखबार के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से सुना भाई जरा दो मिनट के लिए मेरे भाई आपने हमने देखा। इसी तरह उससे पहले राजस्थान के अंदर गुजरों ने अपने आरक्षण की मांग की और उन्होंने लड़ाई लड़ी, रेल तक रोकने का प्रयास किया और उनको हंसते हंसते सरकार ने आरक्षण दिया। जागीर सिंह जी ठीक कह रहे थे, घर से निकलने का प्रयास करो मेरे मित्रों मेरे बहन और भाइयों। हरिभाऊ राठौर साहब झंडा लेके आगे आगे चलेंगे क्रांति का और हम इनके पीछे पीछे फौज के रूप में चलेंगे। मैं मानता हूं वो दिन दूर नहीं होगा कि आपको आपका अधिकार ना मिले। आपको आपका अधिकार देने के लिए चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की सरकार हो वो मजबूर हो जाएगी और आपको आपका अधिकार देगी, मैं ये मानता हूं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए क्योंकि सेशन कल भी है और आज भी है और भी वक्ता बहुत बैठे हैं अपने विचार रखेंगे, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एकता इतनी बड़ी चीज है, अगर आप लोगों ने एकता से एक सूत्र से हरिभाऊ राठौर को जिस तरह से अन्य स्टेट के लोग चाहे वो पंजाब हो हरियाणा हो राजस्थान हो उत्तर प्रदेश हो गुजरात हो गोवा हो तमाम स्टेटों के लोग हरिभाऊ राठौर को नेता मानते हैं, महाराष्ट्र के लोगों आप भी मान लो वो दिन दूर नहीं होगा आपको इंसाफ मिलेगा हरिभाऊ राठौर जी के नेतृत्व में। एक बात और कहना चाहता हूं, उस संस्था से मैं भी जुड़ा हुआ था ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ जिसके भानावत साहब रणजीत नायक साहब हमारे नायक साहब जो हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र के तमाम लोग उस संस्था को चलाते थे। लेकिन वो संस्था कुछ लोगों के हाथ में गई पिछले 10-12 साल से, उस संस्था का इस तरीके से बठा बठा दिया। वो संस्था कोई तो बीमार होता है उसको बिल्कुल जान से मार दिया, जिस जिसके पास भी गई मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है। शंकर नायक ने 10 साल उसका यूज किया अपनी टिकट के लिए, समाज की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। इसी तरह आज के दिन जिस व्यक्ति के पास वो है वो कोई परवाह नहीं करते, अपना बोर्ड लगाते हैं और समाज की कोई परवाह नहीं करते। मैं बहन और भाइयों आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, नौजवान साथियों इस मंच के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूं कि हरिभाऊ राठौर के नेतृत्व में इसको झंडा संभला दो, इनको बागडोर संभाल दो, इस समाज की आपको और हमें सबको इंसाफ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कर रहा हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि मेरी बात पे आप अगर सब भाई हरिभाऊ राठौर को नेता मानते हैं तो मेरा समर्थन हाथ उठा के कर दो, तुम अभी इसको हरिभाऊ राठौर जी को हम नेता मानते हैं और जोरदार तालियां बजा दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। एक मिनट की एक सूचना है, हमारे दिलराज बंजारा साहब जो गुजरात से हैं वो एक फिल्म बना रहे हैं, पत्थर बोल उठे हमारे ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर वो फिल्म है और उसके लिए पंजाब से आए हुए हमारे एसपी साहब जागीर सिंह बड़तिया कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, उसके लिए स्वागत है बड़तिया साहब। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दिलराज बंजारा जी जो हमारे सभ्याचार को सामने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो नेता अब तक हुए हैं उनको आपके समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको 1,00,000 रुपया देने का वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जागीर सिंह जी खालसा साहब
ने जो अनाउंसमेंट किया उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और इस प्रसंग पर विषांतर न करते हुए हरिभाव ने जो आज का प्रसंग रखा 9% का, मैं गुजरात की तरफ से हमारे नेता श्रीपाल नाइक साहब बैठे वो भी कहेंगे, लेकिन मैं दो शब्दों में कहूँगा कि हम खाना खाने की तो बात खाएंगे, लेकिन जो नाश्ता मिल रहा है पहले वो 9% तो ले लो, फिर एसटी तो लेंगे, पहले वो तो ले लो, बाद में वो भी लेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। गोविंद राठौड़ साहब ने कहा कि वो एसटी मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन जब तक हम हरिभाव के झंडे के साथ नहीं लड़ेंगे वहां तक हम एक नहीं हो सकते, इसलिए पहले ये नाश्ता कर लो, खाना तो मिलना ही है। तो लीजिए आपके सामने फिर बहुत सारे नेता हमारे बैठे, मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे इस फिल्म के बाबत में खालसा जी ने जो 1,00,000 रुपया दिया, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं ऐसा है और भी लोग मैं इस मुहिम से जुड़े, धन्यवाद। पत्थर बोल उठे के लिए मैं भी 25,000 रुपया घोषणा कर रहा हूँ, तो मेरे नकदी है, उधार नहीं है। नहीं तो हमारे मधुकर पवार ने भी घोषणा की थी आपके 1,00,000 के अभी तक दिए। देखियो कितना दिया, देखिए देखिए मेरा 25,00,000 रुपए का बजट है मेरा, उसमें आप 25,000 देते, आप 14 स्कूल चलाते हैं, आप 14 कॉलेज चलाते हैं, और 25,000 मेरे लिए 25,00,000 है, ऐसी बात भी है, लेकिन जो भी देते हैं दिल से है, मैं मांगने नहीं आया हूँ आपके सभी आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ महावीर सिंह जी को, जो हरियाणा से, हरियाणा के आदरणीय महावीर सिंह अपनी बात रखेंगे। जैसे वाला आज की इस सभा में मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी ज़्यादा तादाद में इस पंडाल में जो पहुँचे हैं उन सब का धन्यवाद। दोस्तों भाइयों, मैं हरियाणा से हूँ, 1988 से मैं बंजारा समाज सुधार समिति हरियाणा रजिस्टर्ड है हमारी 1434 क्या है उसमें अटैच रहा हूँ। हमने इतनी कोशिश की है हरियाणा सरकार में, इतनी बार धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिला, एसटी क्यों नहीं मिला, इसका भी कारण है, कुछ स्टेट ऐसी है जिनमें प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, उस हिसाब से हम एसटी में अटैच नहीं कर पाते, और उन स्टेटों ने एसटी किसी भी बरादरी के लिए नहीं रखी, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, कई स्टेट ऐसी हैं जहां एसटी है ही नहीं। तो उन स्टेटों में हमने जब भी उनसे बात की, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की कि भाई इसका हल क्या हो, हल यही है जो हरिभाव जी राठौर इस विभाजन में चले गए, ये बात जब हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसका प्रस्ताव भी, जैसे पंजाब में प्रस्ताव भेजा, ऐसे हरियाणा में भी अभी हमारी कोई लगभग 20 दिन 25 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी और उन्होंने ये प्रस्ताव हमारा एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि ये एसटी तो आपको मिल नहीं सकता, आपको ये मिल जाएगा, ये विभाजन वाला मामला बिल्कुल फिट है और इसमें आपको हिस्सा मिल जाएगा, एसटी आप चाहो एसटी नहीं मिलेगा। तो ये एसटी का ही दूसरा रूप है, हम अगर इसको डायरेक्ट एसटी कहें तो सरकार नहीं मानती, लेकिन अगर हम इसका प्रारूप चेंज कर देते हैं तो ये फिट बैठती है। मैं इसलिए हरिभाव राठौर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। गुड गुड। और आगे भी मैं तो ये कहूंगा कि हर स्टेट में, कोई स्टेट बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, हर खींचातानी पार्टी स्टेट हर जगह होते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे किसी भी बिरादरी में हरिभाव राठौर जी को अगर हम एक दिन पहले किसी भी बिरादरी का कोई फंक्शन है उसमें अगर इनको एक दिन पहले भी इनवाइट करते हैं तो चाहे ये प्लेन से जाए चाहे कैसे जाए ये उसमें जाते हैं और वहाँ इन लोगों को, इनको सम्मानित किया जाता है एक राष्ट्रीय नेता के नाम से नहीं, एक अपने बाबा साहब अंबेडकर की तरह। तो मैं
मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि बंजारा समाज अभी इनको झेल नहीं पा रहा, ये सच्चाई है। जिस दिन बंजारा समाज इनको झेल नहीं पाएगा, जिस दिन बंजारा समाज इनको झेल लेगा उस दिन बंजारा समाज का भला होगा और सबसे ज्यादा भला बंजारा। मैं यहाँ चापलूसी नहीं कर रहा, अगर कोई ये सोचे कि चापलूसी कर रहा नहीं, लेकिन विचार की लड़ाई है, विचार मिलने चाहिए, अगर विचार मिलते हैं चाहे वो दुश्मन है उसके साथ भी समझौता कर लेना चाहिए। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं उत्तम सिंह चौहान साहब जो उत्तर प्रदेश से आए हुए आप यहाँ आए और बात रखें। देखिए दो चार मिनट समय अगर आपके पास हो तो बुलवाइए। आज के इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक हरिबाबू राठौड़ साहब और मंच पर उपस्थित इस भारत देश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथी और सामने हमारे बैठे सभी प्रबुद्ध बड़े भाई माताओं बहनों बच्चों साथियों, अभी पृथ्वी सिंह दिल्ली से जो आए वो कह रहे थे कि बहुत हो गई, 56 साल की उम्र हो गई। मैं कुछ बात कहने से पहले दो तीन बातें बता दूं तब आप समझेंगे हमारा परिचय। बसंतराव नायक जी के साथ हमने काम नहीं किया, उस समय हम पढ़ते थे। सुधाकर राव नायक जी चीफ मिनिस्टर हुए तो हम लोग रफी मार्ग में बहुत उनके साथ रहे और तमाम उनकी बातें सुनी। भानावे जी के वस्त्र हमने अपने हाथों से धोए उत्तर प्रदेश में जब वो गए और उन्होंने हम लोगों को एक दूसरे को जोड़ा। इसके बाद में रंजीत नायक जी के साथ भी बहुत कार्य करने का मौका मिला और रंजीत नायक जी के बाद में जैसा तमाम वक्ताओं ने कहा वो संस्था कहाँ गई, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब बहुत समय से हम हरिबाबू राठौर के साथ में एक दूसरे से मिलके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। साथियों कोई बात मैं कहूँ उससे पहले कहता हूँ कि जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, तो उसे गौर से मत देखो, क्योंकि कहीं गौर से देखोगे कोई कमी नजर ना आ जाए। और जिसे आप घृणा करते हो, पसंद ना करते हो, तो उसे आप गौर से जरूर देखना, उसमें कुछ अच्छा ही नजर आ जाए। तो अगर आप हरिबाबू राठौर से घृणा करते हो तो गौर से देखो, कुछ इनके अंदर अच्छाई नजर आ जाए तो अपना लो, और अगर बहुत प्यार करते हो तो गौर से देखना बंद कर दो कि कहीं कोई कमी इनमें नजर ना। अभी सारे आप लोग इतना कह रहे थे, मुझे बड़ा दुख लग रहा। मैं इस समय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हूँ, जुवेनाइल कोर्ट में नौकरी कर ली है राठौर साहब एक साल से, 15-20 साल से वकालत किया उत्तर प्रदेश का रहता हूँ। उत्तम सिंह चौहान मेरा नाम है, मेरा गोत्र केड़ू। तो अपनी भाषा में बोलो थोड़ी देर। हाँ अब ये हिंदी ही बोल पाएंगे क्योंकि बोलने की आदत तो उत्तर प्रदेश में नहीं। बोलो ना, बोलो हमारी भाषा बोली पूरे इंडिया में। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि अभी राठौर साहब कह रहे थे कि प्रमोद महाजन ने कहा कि आप एक दिन ये हो गए, लेकिन मैं अपने आप में मेरे 62 साल की उम्र में मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि हरिबाबू राठौर को अंबेडकर कहें तो कम है और महात्मा गांधी से इस समाज के लिए तुलना करें, महात्मा गांधी से तुलना नहीं कर रहा हूं, इस समाज के महात्मा गांधी की तुलना करें तो वो कम है। क्योंकि देश की आजादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे लेकिन वो राष्ट्रपति कहलाए। तो राठौर साहब आप इतने गंभीर आदमी हैं, मैं कभी कभी बोलता हूं इतने समुद्र हैं, इतने ठंडे हैं कि आपको कभी गुस्सा भी नहीं आता है और आपकी सहनशीलता की तो पराकाष्ठा है। मैं इनमें कई बार इसकी टिप्पणी में राठौर साहब को करता हूं जब हम लोग फोन पे बात करते हैं, देखा ही नहीं। और मैं राठौर साहब का मित्र हूं, सहयोगी हूं, लेकिन हमारे और उनके विचारों में जहां भिन्नता रहती है मैं बराबर क्रॉस करता हूं। राठौर साहब स्वयं इस सामने बैठे हैं, ये नहीं हम विचारों की भिन्नता में उनसे कोई घृणा करें, हो सकता है उनके बात हमारी समझ में ना आ रही हो, हमारी उनके समझ में नहीं आ रही हो, जहां दोनों का कहीं मिश्रण होता है तो वहां हम लोग एकमत रहते हैं।
साथियों शेड्यूल ट्राइब मुद्दे पर आते हैं। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, बैकवर्ड, तमाम सारी चीजें ये सब आपके सामने चल रही हैं। कभी रेल में यात्रा आज सभी लोग करके आए हैं। दिलराज जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, जब रेल के लिए यात्रा करते हैं तो पहले होती इंतजारी ऑफ रेल आए, फिर होती है फौजदारी, धक्का मुक्की करके डब्बे में चढ़ते हो, और फिर उसके बाद आती जमींदारी। अगर थोड़े सी जनरल डब्बे में सीट आपको बैठने की मिल गई तो फिर फैलते फैलते फिर जमींदारी हो जाती है, फिर आप पूरे में फैल जाएंगे। जब दूसरा आता तो कहे भाई आगे बढ़ो, जगह नहीं है, वही वो आपको कह रहा था जो पहले बैठा था। तो अभी आप थोड़ा इंतजारी करने के बाद में सीट थोड़ी सी प्राप्त कर ले, ठीक है। मैं मानता हूं ये हमारी कास्ट बहुत तेज है ना, बस अंतर इतना है एक होशियार होता है एक चालाक होता है। तो कभी बस होशियार और चालाक में जितना अंतर है वो आप होशियारी से चलो, चालाकी ज्यादा समय तक नहीं चलती है। जैसे ही आप थोड़े स्थान पा गए तो मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी आपको फिर पा नहीं पाएगा। ये मैं उत्तर प्रदेश से हूं, जो ये 9% का चल रहा है, अभी मैं 8 दिन पहले लखनऊ में था, एक मिनिस्टर अभी अमित शाह पहुंचे तो उनसे वो बात कर रहा था कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा करो कि ये डिवाइड कर दो 9-9%। मैं वहां था तो मुझे मन में प्रसन्नता हुई कि राठौड़ साहब की बात यहां भी चर्चा होने लगी भाजपा के कार्यालय में। ये भी की बात है लेटेस्ट। अब वो लोग भी ये चाहने लगे कि 27% का डिवाइड हो जाए तो ये 9% में यादव, लोधी और जो कुर्मी ये सब चले जाएंगे, बीच में नीचे वाले आ जाएंगे, जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स जिनको आप बोल रहे हैं, जो एसटी बोल रहे हैं, वो थोड़े लोग बचेंगे। तो आज ये 9% देंगे तो पर वो उतने ही लोग बचेंगे, कहेंगे अब इनको ये 9% क्या, इनको अब एसटी में कन्वर्ट कर दो, वो डिनोटिफाइड ट्राइब इक्वल एसटी तो वो उसमें हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं आपको कोई तकलीफ हो। हम लोग तो यूपी वाले मांगते मांगते एसटी, मांगते मांगते एसटी बूढ़े हो गए और हमारे बच्चे भी हो जाएंगे शायद, तक मांग तो चलती रहेगी, कोई नहीं है, लेकिन जितना मिल जाए वो सो फार गुड, वो बहुत अच्छा है। राठौर साहब आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि तन से मन से, उत्तर प्रदेश में धन बहुत कम है क्योंकि वहां बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए धन की, और जब तन और मन जहां रहेगा वहां शायद आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जितने लोग आप यहां दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और मंच पर, राठौर साहब प्लीज लिसन टू मी, देखिए कोई भी कलाकार हो, जैसे पुराने जमाने में हम आप सब बैठे ग्वार हैं, तो जब कोई नृत्य करने के लिए किसी मंच पर आती है तो पहले वो नृत्य के लिए जब खड़ी होती है तो आप देखते हैं ठीक है, लेकिन जिस समय वो अपनी कला को चरम सीमा पर लाती है और आपका ध्यान उसकी कला की प्रति आकर्षित हो जाता है और आप खो जाते हैं उसमें, तो आप 1 रुपया रिक्शे में लगा के नहीं आए हैं, और जब आप उसमें खो जाएंगे उसकी कला में तो वहीं से आप 10 का 100 का नोट उठा के उस पर फेंकने लगते। ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, बशर्ते आप उस कला में बिल्कुल एकदम खो जाए, वो ऐसी कला प्रदर्शित करे कि आपके मन को मोह ले, तो वो कंजूस से कंजूस आदमी भी वहां पर 2 पैसे फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। गांव में नौटंकी होती थी, अब तो ये डांस या क्या क्या लोग बोलते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जितने आप लोग बैठे हैं सवाल करना भूल जाओगे, पूछना भूल जाओगे, बस एक ही बात रखो, राठौर साहब को आप देश का नेता मानिए, दूसरा विकल्प भी कोई नहीं है। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, आपको देखने में छोटा वैसे लगता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं बहुत तेज आदमी हूँ, जब मैं राठौर साहब को एक्सेप्ट कर लिया तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई कमी राठौर साहब को नहीं आएगी, बिल्कुल जो है आपको इस चीज के लिए कि इससे बड़ी रेखा गणित में पढ़ते हो, गणित में एक रेखा खींचती, किसी ने इतनी रेखा खींचती है, उन्होंने कहा ना इसको काटो और ना इसको मिटाओ और छोटी कर दो। तो साथियों ये तभी छोटी होगी जब इससे आप बराबर में इससे दूरी रेखा खींच देंगे।
जिस दिन राठौर साहब की रेखा के बराबर कोई दूसरी बड़ी रेखा खींच जाएगी, आप लोग स्वतः उस बड़ी रेखा को देखने लगना। लेकिन जब तक कोई दूसरी रेखा किसी ब्लैक बोर्ड पर नहीं खींची है, तो उसी को ही बड़ा मानो और उसके साथ तन मन धन से लगे। निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका अच्छा होगा। जय हिंद, जय समाज। धन्यवाद उत्तम सिंह भैया, अच्छी बात बोले। देर बाद में आदरणीय मंगल सिंह पवार, मंगलम पवार मध्य प्रदेश है, मैं अनुरोध करूंगा अपनी बात केवल 2 मिनट में रखे। जय सेवालाल, जय बंजारा। आज इस मंच से कुछ ऐसी पुरानी स्मृति रखना चाहता हूँ कम शब्दों में, जो हमारे समाज के जो कर्णधार हुए और जो ऑल इंडिया बंजारा समाज संघ को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो वैचारिक डिस्कशन चल रहा है, उसका जो गठन की जो आवश्यकता पड़ी और क्यों ये गठन हुआ, इसकी शुरुआत करीब 2000 में अहमदाबाद में गांधीनगर में गवर्नर हाउस के सामने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन वो अधिवेशन में आज जो भी यहाँ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसे दिल में कोई बुराई है या कड़वाहट है, ये तो सब लोग के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन वो दिन मैं याद कराना चाहता हूँ कि जब महाराष्ट्र के नेताओं ने उस मंच को भी रण क्षेत्र बना दिया। मैं सीधे सीधे बोलना चाहता हूँ कि उस दिन जब ये सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, के जी बंजारा और डी जी बंजारा भी आयोजन किया था, उस दिन अपने राजू नाइक शिवसेना के युवा तुम मखराम पवार आबकारी मिनिस्टर शराब, इन दोनों में जो वाक युद्ध हुआ और जो सौहार्दपूर्ण जो सम्मेलन हो रहा था वो कड़वाहट में बदल गया, वो कभी मिठास में नहीं बदली, उसके फल आज हम। क्या आप ये चाहते हो कि जो कड़वाहट भूली है उसमें शकर घोल के तो देखो, अपनी ईमानदारी मेहनत और कर्म तो घोल के देखो। उस दिन के बाद ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की कोई गतिविधियां नहीं। मैंने सुधाकर राव नाइक जी के साथ अपने भानावत जी और इन सबके साथ काम किया, रणजीत है, और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का मध्य प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा। लेकिन गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई और उसके बाद ये जो उदय हुआ है ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, जो संघ का पिछली बार तो 13 सितंबर को जो दो मिनट आप लीजिए, 13 सितंबर की बात बता रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। 13 सितंबर की बात है, सुनिए, 13 सितंबर की जो बात है, अब आ गए अपन, आप मेरे को बोला वही सुनिए। 13 सितंबर की बात है, दो दिवस का, उस दिन भी पूरे प्रयास हुए, एक नहीं हुए। आज ये मैं बोलना चाहता हूँ, सुनिए, आप मैं बता रहा हूँ, आप साक्षी थे, आप सुनिए, वो कहना बोल दिया ना अपने भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोगों की जो हालात है, वहाँ हरिभाव राठौर संघर्ष करने आए, और आज हमारा जो ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दोनों जगह की सरकारों ने घोषित करने के मुद्दे के नाम पर
बंजारों के वोट लिए और आज बंजारों को कुछ नहीं मिला है। हम खाली पेट हैं, हम भूखे पेट हैं। आपको ये मालूम अगर होता तो आज हमारी दर्द की सुनते वो दर्द की बात गरीब और राठौड़ कर रहे हैं, लड़ाई वो कर रहे हैं। तो जो खाली पेट है तकलीफ उसको होती है। अरे हमारे लिए आप लोगों के लिए तो सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं जिनकी संतान आप हो। हमको मार्गदर्शन चाहिए आप लोगों का, और ये जो हरिभाव राठौर मार्गदर्शन नहीं दे रहे, आपका महाराज दे रहा है, ये आपके लिए भी गौरव की बात होना चाहिए। लेकिन आप जो लोग इस चीज को जो अपन उपहास और हंसी मजाक का जो कर रहे हो ना, ये आप सोचो कभी अकेले में अच्छी बात है क्या? रही बात राजनीति की और कलाकार की, हरिभाव राठौर राजनीति की नहीं है। अगर वो राजनीति के होते ना तो वो घुमा फिरा के बोलते 15 साल हमारे यहाँ भी वो निकाल बन गई सरकार तो और बनाते रहते। उन्होंने साफ सुथरा कहा है कि ओबीसी का विभाजन हो सकता है, बहुत इजी है, वो सीधे सरल व्यक्तित्व का बोल रहे हैं। तो राजनीति की बात करते ना तो आप सबको घुमाते रहते। और आज उस इंसान को देखो तबीयत कितनी खराब होती भोपाल में, ऐसी तबीयत खराब, और वो किस तरह से वो गोली खा करके समाज का काम कर रहे, ये आपके लिए भी गर्व की बात है। धन्यवाद मंगल जी। मैं इसके बाद संतराम बंजारा जो मध्य प्रदेश से आए हुए, मैं आपसे विनती करता हूँ कोई आपत्तिजनक विधान ना करे, कृपया केवल आरक्षण पर बात करे और 2 मिनट पे बात करे, शुक्रिया। अरे ये करेगा भाई साहब, सुनने वाले के लिए निवेदन है मेरा, 2 दिन का कार्यक्रम है, जो बोल रहा है उसको सुनो, तो सुनने से हमारे कुछ समझ में भी आएगी ना। सुनो बीच में बोलते भी रुको रुको, जिनको समझ नहीं आ रहा जा सकते तो बोल सकते हैं। हेलो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भूतपूर्व सांसद हरिभाई राठौर साहब, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीपाल नायक जी, कर्नाटक के जुझारू नेता मनोहर ऐनापुरे जी, दिल्ली प्रदेश के पार्षद नायक साहब, और महाराष्ट्र आंध्र कर्नाटक और तमाम राज्य के बंजारा समाज के लोग, भैया सुनो यार, जरा हम 1500 किलोमीटर से दूर आए हैं महाराष्ट्र, सुनो यार सुनो, जरा महाराष्ट्र में आए हैं, महाराष्ट्र के लोग को आपको ऑलरेडी आरक्षण के प्रति आप तो पेट भरा हुआ आपका, चालू हो जाओ चालू हो जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब हम 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं, सम्मानी मंच माफी चाहूंगा मैं, माताएं बहने और मेरे नौजवान साथी, मैं भारत में मेरी 40 वर्ष की उम्र है और बंजारा समाज से बढ़तिया गोद का हूँ और राठौर साहब से कम से कम 15-20 साल से पहले जुड़ा हुआ हूँ, मगर मैंने आज तक भारत में बंजारा बहुत से देखा, मैं चंद बंजाराओं के अंदर समाज सेवा की भावना है, बुरा मत मानना, ऐसे गिने चुने लोग हैं जो भारत में बंजाराओं के लिए बात करते हैं। यहाँ पर बांद्रा रिक्लेमेशन में उस समय भी वो समय मुझे याद है जब रंजीत नायक साहब के कार्यालय में जाया करता था, चंद्राम गुरु जी भी इस नेतृत्व को संभाले, एन शंकर नायक जी ने भी संभाले, भांति भांति के बंजारा लोगों ने ऑल इंडिया स्तर की बात करके संगठन बनाने की कोशिश की, हम ऑल इंडिया स्तर के बंजारा बन जाए और प्रेसिडेंट बन जाए, जो भी देश की वर्तमान सत्ता में बैठी हुई सरकार पर दबाव बना करके हम अपना पार्टी की सीट ले लें, विधानसभा एमएलए और सांसद बन जाए। साथियों बहुत सारे सांसद हुए हमारे यहाँ कर्नाटक तेलंगाना से, कोई का बलराम नायक जी हुए जो सोशल जस्टिस विभाग उनके पास था, लेकिन एक बार भी मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ और मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद महाराष्ट्र मराठी लोग बोलते हैं कि हमारा मानुष मुख्यमंत्री होगा, रंजीत नायक जी के सर्वे में बोला गया था कि भारत में 10 करोड़ बंजारा जाति है डिनोटिफाइड टाइप की, जब 10 करोड़ 100 में 10वां भाग हमारा, तो हम नहीं बोल सकते कि हमारा प्रधानमंत्री होगा। ये हमारे बंजारों की दुखी है, हम लोग तो वो जागीर समाज है, जागीरदार समाज, आज हम पूरी तरह से कुछ
ऐसी समाजें हमको शोषित कर रही आज से नहीं, 17वीं सदी से। जहां ना जाए मारवाड़ी वहां चल जाए, जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां चल जाए मारवाड़ी। मारवाड़ी समाज के बंजारा लोग हम लोग, हम लोगों ने गुरुओं को पहचाना है। माननीय यहाँ पर SP साहब बड़तिया साहब बैठे हैं, बार बार हमको ये दुहाई दी जाती है कि बंजारा समाज। मैं बात में करूंगा आरक्षण की बात, आरक्षण तो ठीक है, आरक्षण तो मिलेगा। बहुत कहते ना यूं बैठे बैठे दिल को बेकरार मत कर, और वो सुबह जरूर आएगी, थोड़ा इंतजार कर। लोग जाग रहे हैं, जागेंगे और समाज में विकास आएगा। नौजवान जब जागेंगे तब भारत का विकास होगा। तो मैं एक बात और थोड़ा सा बंजारा समाज को ध्यान दिलाना चाहूंगा। हम लोग टोटल प्योर कम्युनिटी बंजारा कास्ट है, और हम 17वीं सदी और 14वीं सदी से हमारा इतिहास बताते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन यहां हमारे राजनीतिक, शैक्षणिक और अन्य सहकारी संस्था हमको कहीं लाभ नहीं मिला। कहीं SC तो कहीं ST तो कहीं डिनोटिफाइड ट्राइब। हम बंजारा लोग महाराष्ट्र में, आप डिनोटिफाइड में है, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में है। एक राज्य में अगर कहीं मर्डर किया जाए उसकी धारा क्या होती है? 302। अगर कहीं आंध्रा में मर्डर कर देंगे 304 लगा दिया जाएगा। बताओ इस बात को, सब आरक्षण की बात। आरक्षण कहां मिलेगी? आरक्षण कौन मरने तैयार है? कौन बंजारा जाएगा लाख दो लाख की तगार में? कौन मरने के लिए तैयार हो रहा है? कौन जाट के जैसे बलिदान दे? कौन नौजवान मरने के तैयार है? बेगर मारने बड़े आंदोलन और आरक्षण नहीं मिलने वाला साथियों, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठी बात है। सांसद में पार्लियामेंट में बात उठाने अम्बेडकर ने कहा था कि बेटा एक हाथ में पुस्तक रख के एक उंगली बता रहा था, उसका सारा समझो क्या बोल रहा था कि बेटा इसमें सब कुछ लिख दिया हूं मैंने, इसको पढ़ लिख करके जाना। कहां जाना? चुन करके पार्लियामेंट में जाना, विधानसभा में जाना, वहां पर कार्य योजना बनती है। ये नहीं बनती कि बेटा ये मद्रालय उधर जाना दारू पी के, और वहां 5 लट खाना किसी लड़के खाना का चेहरी। बेटा इस किताब में संविधान लिख दिया मैंने, तुमको हम जमानत भी कराएंगे। सवर्ण वर्गीय लोग कहेंगे बेटा हम जमानत भी कराएंगे, तुम लड़ो। ऐसा नहीं कहा हमने, उनने ये कहा था बेटा इस बुक में वो लिखा हूं मैंने, इसको पढ़कर जाओ पार्लियामेंट में जाओ, विधानसभा में जाओ, वहां कार्य योजना बनती। एक नहीं एक लाख बंजारा चलाओ, यहां कौन सुनने वाला है? दिल्ली की पार्लियामेंट में एक सांसद बोलता है, दुनिया का देश देखता है, विदेश देखता है। बोले साहब आपकी तो उम्र कम से कम आदरणीय 50-60 साल की हो गई, मेरे साथ आंध्र में उड़ीसा मध्य प्रदेश का बेटा मेरा मध्य प्रदेश का दौरा करा दे, बेटा मेरा उड़ीसा का दौरा करा दे, वो जज्बा देखो। छत्तीसगढ़ चलूंगा बेटा तेरे साथ, मेरा प्रोग्राम बना दे। एना बोले साहब को क्या पढ़ा है कि वो मध्य प्रदेश जाए? अरे तुम कालीहाट की तरफ उड़ीसा तरफ। हमारे गौर भाइयों जरा हमारी दशा भी देखो, हमारी तो यूजन थ्रोच बड़े से बंजारा का डोंट नो डोंट क्रेडिट डोंट वैल्यू। हम लोग मध्य प्रदेश से पूछ रहा हूं बड़े साहब जेल कोई गिनती छे नहीं। मैं कमलनाथ के साथ जुड़ो, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के साथ, और गवाह एना प्रेस साहब बैठे थे, हरिभाव राठौर बैठे थे। मैं एक एक आवाज में कमलनाथ जी बोलो कि साहब एक बंजारा ने आपके लिए अपनी जात को बेच दिया। कुछ बंधु लोगों ने हमको बोला कि पगड़ी की लाज रख दो। एक कोर्ट त्रास करके 10 साल बचाए हैं कमलनाथ जी आपको हरिभाव राठौर ने। वो हरिभाव राठौर शेर जिनने अपनी जात को बदल दिया, और आप उसका कहना नहीं मान रहे? नहीं मैं तो लगा हूं उसके साथ। बोलो राठौर साहब सही बात है। कमलनाथ जी से मैंने 10 बार बोला कि साहब बंजारा बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। बंजारा ने पूरा लखीसा के जब रायसेना रोड है, सांसद भवन सब हमारा है। किसी की जागीर नहीं है, बंजारों की जागीर है। बंजारा को पहचानने वाला कोई नहीं है। साथियों हम आप लोग सब पढ़े लिखे होंगे, हमारे तो एक डॉक्टर नहीं है मध्य प्रदेश में, MBBS डॉक्टर क्या होता है? लाओ भेड़ बकरी लाओ और सड़े प्रवाह करा दो। एक पाव कच्ची हमारे महुआ दारू के, एक पाव कच्ची मतलब दारू और एक पाव मच्छी। इस टाइप पर यूज कर रहे हैं आप लोग, आप बुद्धिमान लोग छो, इंजीनियर डॉक्टर
अते राजनीतिक पॉलिटिक्स में लोग छो आप बंजारा लोग जो सहयोग करो सती सहयोग किस टाइप का करो आंदोलन में सहयोग करो हम बंजारा लोग मैं तो आवत है 1.5 किलोमीटर 3-5000 खर्च कर रही भाई जतुड़ी पब्लिक ना देखे जतुड़ी तो कोई जनता जो कोई पॉलिटिक्स अपने लाइक करे भाजपा है कांग्रेस बताओ ये बात इकट्ठा बोल रहे अब आप लोग ना तो भरो पूरे पेट से आगरा वाले कर्नाटक वाले महाराष्ट्र वाले हमारा तो कहीं छीन तब कसी बोलियो तब तो भीड़ भाड़ जमा जी मुथान देखियो भैया हमने कहा महाराष्ट्र में इतने बंजारा जुड़े कर्नाटक में इतने बंजारा जुड़े आप अगर एक ग्राउंड से एक लाइन ग्राउंड से तो वो जंतर मंतर लड़ो हरिभाव राठौड़े नेतृत्व में नेतृत्व में ठीक है देर अबेर हुई है एक बार चुके से आज जब सत्ता में है राठौड़ साहब और अगर लोकसभा सांसद चुन जाए तो कांग्रेस ने सेंट्रल मिनिस्टर बढ़ा रहे और वो बात पार्लियामेंट बोलिए जब बंजारा विकास है जय हिंद जय भारत जय संतराम जी। इसके बाद में जितेंद्र महाराज कोरा देवी से उनसे अनुरोध करूंगा केवल 2 मिनट में अपनी बात रखे और कोई आपत्तिजनक विधान ना करे। समाज से प्रतिष्ठित से अधिकारी वर्ग पुढ़ारी वर्ग आनी से अपन ही हो अपने विचार भी पहुंचाओ चार दे दो सब हरिभाव राठौर नेतृत्व करता जी आज मीटिंग ये मीटिंग के निरोग हमने मोड़ो आनी खरोखरच मीटिंग देवाले सामुते के वहाँ आरो तो कि ये खूब मोट मीटिंग भव कला को एक पहली वाला है वो आ सकलो तो खरोखरच आता आयर बाद में ये खूब मोट मीटिंग रह 265 लोग को अपन बेटे जुकों 265 लोग आनी हो मैं ये आरक्षण यार मुद्दा बदल आत्री कहीं कहीं विसंगति रह अपने से लोगों में तो ये प्रसंगी आता अथराज बोले अर्थ कि आरक्षण यार गलत था अपने ना समाज ना ये गरज करता नहीं अब तम देख रहे तो आता से वक्त आता बोले वाला के चा कि आरक्षण यार मुद्दा पर नियमी कौन झटा चा कौन कौन कहीं कहीं कर चा अन्य अपने समाज के लोग आरक्षण यार लड़ा सर उकतरा तैयार रच ये आंकड़ी बोल मिले जो कौन से वक्त आर मुड़े थी तम सामान मिले जो आरक्षण यार विषय जर क्या नो तो हरिभाव नंतर लारा अपने आजाद मैदान पर जन बंजारा समाज धर्म गुरु करण अपन माना चा संत रामराव बापू जना आरक्षण करता आता आजाद मैदान पेटे तो वर लारा आता मुंबई में थी 50 लोग आए थे ऊपर थी अपने गलत था कि अपनो समाज आरक्षण मुद्दा सर उकदरा जागरूक था तम देख रहे हो लारे एक साले थी मराठा एक मराठा जाते पर एक अन्याय वो करण एक जे मोर्चा वो काढ़े मेन वो मैं मुद्दा आरक्षण है किधे अनि कतरा मोटे प्रमाणे मुंदुर मोर्चा निकलो तो हनु कहीं तेरी एक ताकत रखाड़ो एक दिल्ली में जाए ताकत रखाड़ो आता महाराष्ट्र में ही मोर्चा काढ़े रे लोग जमायर ताकत रखाड़ो अनि आपन देख रहे था कि हरिभाऊ दीदने करता मीटिंग रखाड़ो पहले दिनेर मीटिंग ये ना झुकुक झुकुक करते से लोकुन समझाता समझाता ये व्यर है कि आज इस सवारे मीटिंग कून अब ये रो प्रश्न च पहले पहले तो आसो आटे लगो कि न सब छे अपन गवर्नमेंट इस गेरेरस मीटिंग चलू इस करन आसो आटे लगो कि सेना आत्रा जबरदस्ती जी थमारे वेला होगी सेना ये करे नहीं कि के भाई एक समाजेर नेता जनमान मिले च जे कनई कुंसी अवस्था में समाज बदल झटू कर जानी और विनंती मान देन सारी भारतीय मायर एक एक लोग आत आन बेटे वो मैं फक्त एकच महाराष्ट्र मायर लोग आत बेटे जो को आप वंदु ना अपनो तमाशो होता रे आपने एक छोरी कु आगेन चाहे कु रेन चाहे ये आता आता नहीं आपने कलाम देरी कृपया ही न हेनो आत बेटे जो को से लोगो कंती ये लड़ा रे एक आपने खूब मोट आशा छ ये मैं एकलो धरी भाव काई करे वालो छी अब वात आरी छ ये आरक्षण लड़ार
नेतृत्व पर, तो आ शो कहीं अपने आवश्यक छे कि ये लड़ारो नेतृत्व एक हरिभाऊ करे जाओ और एक नेतृत्व थी कहीं फरक पड़े हो चार पांच आमदार छाप वो आमदार अपन से मोटे मोटे लोग अपन जे समाज में से रिटायर अधिकारी जसो गोविंद भाऊ मुद्दा हम जना सांभळे आनु से लोकुर मुद्दा में एक एक मत वेतानी से आरक्षण एक मोट असो व्यापक तैयारी असो करे चाहो कि सर्वसामान्य लोग वो लड़ा में आए सब तैयार है जाओ तो ज अपने ना वो आरक्षण मह सके। एक तो अत्यंत दुर्दैव छा अपनो कि जे समाज ना तक 11 वर्ष राजकीय वारसा रहे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद अपने कन रो तरी अपने ना वो वेले थी तो आबेलक ये आरक्षण मुद्दा सरु लड़नो लग रो छ कोई मन क्या जना ये झंडा लेन तैयार हो छ जना बाकी झंडी वंश दे देनी तो हो रे करता ये रो सेज ये लड़ामाई सेज शामिल हो आत्रा से लोगों ने एक विनंती करता ने मना आता हरिभाऊ जी बलाता नहीं आता ये बोले आरक्षण और मुद्दा पर संधि दिने अनि दूसरे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात एक ही मिनट में खुजू पीटी सब क्या भाई ये आता मीटिंग है ना शेष तत्ने लोग आरक्षण बोले वाला आउट सब वसो कहीं से हरिभाऊ संगठना में जुने भी लोग डिगे आउट सब जेन कहीं कड़े नहीं वो ना बोले चाहो जेन कड़ा से आरक्षण करता वो जाता बोलो आसे से लोग उन विनती गुरु जो कारण दी दने और मीटिंग चकरण समझोज मना आत्रा बोलता नहीं मार दी शब्द बंद करो। धन्यवाद जीतू महाराज बावली।